वेरी वेरी गुड इवनिंग। वॉइस चेक करिए, क्लियर है तो हम आगे बढ़े। आज आज की क्लास थोड़ी सी लंबी और इम्पोर्टेंट। क्लियर क्लियर क्लियर। गुड इवनिंग। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा आप कि कैसे करना है, नहीं करना है, सारी चीजें। एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा मटेरियल कह लो या इन्वेंटरी कह लो। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपके सेमेस्टर वन में और एक सेमेस्टर फोर में, यानी दो सेमेस्टर है, एक है सेमेस्टर वन और एक है सेमेस्टर फोर। ये सेम कॉन्सेप्ट सेमेस्टर वन में भी पूछा जाता है और सेमेस्टर फोर में भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं सेमेस्टर वन और सेमेस्टर फोर की, सर डेट शीट आ गई, एक मिनट। तो मैं कह रहा था सेमेस्टर वन और सेमेस्टर सेमेस्टर वन जो है ना, हाँ जी वॉइस आ रही है, रुक जाओ एक मिनट। सेमेस्टर वन के अंदर इसको इन्वेंटरी के नाम से और सेमेस्टर फोर में इसे मटेरियल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सेमेस्टर फोर के अंदर ये इन्वेंटरी वाला पार्ट तो रहता ही रहता है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। यानी ये चैप्टर दो हिस्से में सेमेस्टर फोर में बांट दिया जाता है, एक तो जो हम आज करेंगे ये और प्लस में एक्स्ट्रा। और सेमेस्टर वन के अंदर ये इन्वेंटरी वाले नाम से जाना जाता है। और मजे की बात है, सेमेस्टर वन में भी ये 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है और सेमेस्टर फोर में भी 10 नंबर का। मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को, सेमेस्टर वन में भी और जब सेमेस्टर फोर में होता है तब भी मैं बताता हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। जैसे कि आपका शेयर कैपिटल 12वीं में भी पूछा जाता है और सेमेस्टर फोर के अंदर भी पूछा जाता है, तो सेम कुछ ना कुछ लिंक रहता है। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि इसके लिए हम 2 से 3 दिन लगाएं। मैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन कर दूं ना इस चैप्टर का, 1 से 2 क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाता है कि भैया इसी के अंदर ये चैप्टर समझ में आ जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है। बच्चे कह भी रहे हैं सर लीफो फीफो एवरेज, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। तो इन्वेंट्री बिजनेस का ना सबसे बड़ी टेंशन, और ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते सिर्फ इन्वेंटरी मैनेजमेंट ना होने की वजह से। सर इन्वेंटरी का मतलब क्या है? सर सर स्टॉक। सर स्टॉक का मतलब क्या है? जो आप माल लेके आते हो ना, तो माल जब लेके आती हो तो इसे मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और स्पेशली जहां पे बहुत बड़े क्वांटिटी के अंदर डील किया जाता है। जैसे सर मैं बात करता हूं केमिस्ट की, केमिस्ट की, केमिस्ट की मार्केट ऐसे है ना, जो दवाई वगैरह बेचते हैं केमिस्ट, उनकी मार्केट ऐसे है कि उनके मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट ना बहुत जल्दी की होती है। मेडिसिन पे कुछ पे ज्यादा दिनों की भी होगी, कुछ पे जल्दी पे, और कुछ मेडिसिन उनके ऐसे भी होते हैं जो कि बिक नहीं पाते। जैसे कि मान लेते हैं कि कोविड के टाइम पे आप सपोज एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे आप देखो तो कुछ मेडिसिन ऐसे थे जो कि बहुत बिक रहे थे, या फिर कुछ इक्विपमेंट ऐसे थे बहुत बिक रहे थे, बिकने ही बंद हो गए क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो केमिस्ट के दुकानदार में ना अगर एक गलती कर दे, तो अभी के अभी कुछ एक मिस्टेक कर दे ना, उनका ना ये पूरा जो केमिस्ट का दुकान का एक सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा रैक बना के रखते हैं हर चीजों का, ठीक है ना।
तो जैसे हमने एक सामान खरीदा, मान लेते हैं एक सामान 1 तारीख को खरीदा, एक सामान 2 तारीख को खरीदा, एक सामान 3 तारीख को खरीदा, एक सामान 4 तारीख को खरीदा, सेम सामान है हमारा ये जो हम बेचते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अब 1 तारीख को जो खरीदा, 2 तारीख को जो खरीदा, 3 तारीख को जो खरीदा, 4 तारीख को खरीदा, इनको क्या करना होता है, सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, जो मैंने कौन सा खरीदा होगा सर, 4 तारीख को जो खरीदा होगा वो सबसे लेटेस्ट होगा, क्योंकि मैंने इसे अभी रिसेंटली 4 तारीख में खरीदा, और सबसे पुराना कौन सा होगा सर, 1 तारीख। तो अब एक्सपायरी जल्दी किसकी आ सकती है, 1 तारीख वाले की आएगी या फिर 4 तारीख वाले की, पहले एक्सपायरी 1 तारीख वाले की आएगी, 4 तारीख वाले की बाद में आएगी। जब हम काउंटर के अंदर सामान रखते हैं ना, तो सामान कुछ हम यहाँ रखते जाते हैं, तो जो पुराना वाला माल होता है वो पीछे जाता जाता है, वो पीछे जाता जाएगा पुराना वाला माल, और हम गलती क्या करते हैं, हम आगे वाले माल को बेच देते हैं सीधा, तो वैसे पुराने वाला पीछे रह गया, वो एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक की दिक्कत हो जाती है अच्छी खासी। तो अब हमें इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये मेथड बनाया गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा रहता है कि भैया पुराना माल हम बाद में बेचेंगे, पुराना सामान ज्यादा महंगा बिक सकता है आगे चल के, तो उसको बाद में बेचेंगे। कुछ दुकानदार ऐसा करते हैं कि भैया पुराना सामान पहले बेच दो, खराब हो सकता है, हम पहले नए वाले को रख लेते हैं और पुराने वाले को बेच देंगे। और कुछ दुकानदार बोलते हैं भैया नए और पुराने में कोई फर्क नहीं है, हम डेली बेसिस पे बेचेंगे। तो 3 तरीके के दुकानदार होते हैं, तो उसके अलग अलग नाम है। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम चैप्टर का कोर थीम देख लेते हैं। चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे हम, मान लेते हैं एक हमारा फैक्ट्री है, ध्यान देना आप इस चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे, मान लो हमारा फैक्ट्री है, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर सामान बन रहा है, और यहां पे एक हमारा गोडाउन है, यहां पे एक गोडाउन है या वेयर हाउस कह लो, गोडाउन या वेयर हाउस, और इसके बाहर यहां पे आपका क्या है सर, यहां पे शोरूम है या फिर दुकान कह लो, जहां से सामान को आप पब्लिक को बेचोगे, ये चेन चलता है। यहां पे जब कभी भी क्या करते हैं, ये फैक्ट्री से सामान खरीद के यहां पे लेके आते हैं, फैक्ट्री से सामान खरीद के यहां लेके आए, और यहां पे बहुत बड़ा एक स्टोर होता है जहां पे सामान को स्टोर किया जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने तो इसका रियल एग्जाम्पल देखा हुआ है, रियल एग्जाम्पल मैंने देखा है, आप भी देखोगे चांदनी चौक वगैरह पे जाओगे ना, तो ये एक होलसेल मार्केट है, आप देखोगे दुकान इतनी इतनी सी है, लेकिन आप 1 करोड़ का ऑर्डर दो, 1 करोड़ का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे वो। उनका फैक्ट्री होता है, गोडाउन कहीं और दूर बनाते हैं, क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत महंगा एरिया है, सीपी सेम ऐसे महंगा एरिया है, तो एक छोटा सा ऑफिस रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपको सैंपल रखते हैं सिर्फ दुकान पे। तो ये एक तरीके से मान लो यहाँ पे दुकान पे सैंपल गोडाउन है यहाँ पे। अब इस गोडाउन पे ये क्या करते हैं, फोन करते हैं यहाँ पे शोरूम से कि भैया हमें इतना माल भेज दो। तो ये गोडाउन के ऊपर जो बैठा है ना अकाउंटेंट, जो गोडाउन पे अकाउंटेंट बैठा है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कौन सा सामान भेजना है, नए वाला पहले सामान भेजना है या पहले पुराने वाला सामान भेजना है, या चलेगा दोनों में से कोई भी भेज दो पहले फटाफट से आया ऑर्डर। तो यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो यहाँ पे व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है, इसकी अकाउंटिंग को बेसिकली हमें समझना है, और जो यहाँ पे व्यक्ति बैठा होता है वो रजिस्टर के अंदर एंट्री करता है। आप कई बार देखोगे ना, तो कई बार गोडाउन से जब सामान आता है ना ट्रक के ट्रक, आपने कई बार मूवी वगैरह में देखा हो या रियल लाइफ में देखा हो, जब गोडाउन के अंदर सामान आ रहा होता है ना, तो वहां का जो गोडाउन के बाहर गार्ड होगा या फिर गोडाउन को जो पूरा संभालता होगा, वो रजिस्टर लेके उस गाड़ी का नंबर, और नॉर्मली आप कहीं अच्छे जैसे कहीं भी सोसाइटी वगैरह में भी जाते हो ना, तो वहां पे भी आपकी एंट्री कराते हैं अंदर आने से पहले, जाने के टाइम पे नहीं कराते, अंदर आने के। सेम ऐसे गोडाउन में जब सामान आता है, सारा एंट्री वगैरह कराया जाता है। तो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है सर, हमें अकाउंटिंग बेचने के लिए नहीं करनी, हमें अकाउंटिंग इसकी करनी है। तो इसका मतलब जब ये फैक्ट्री से सामान आएगा तो ये खरीद नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, रिसीव, और जब ये सामान यहां भेज रहा है तो ये बेच नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मतलब के मान लेते हैं कि इतना ज्यादा हम बिजी हैं या फिर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने गलत माल भेज दिया वहां पे शोरूम में,
तो शोरूम में बोलेगा यार ये तूने क्यों भेज दिया, ये तो पहले से पड़ा था, तो वो सामान क्या होगा हमारे वापसी आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम रिटर्न आ गया, ठीक है ना। कौन सा रिटर्न आया, जो इशू किया था वो क्या आ गया, हमारा रिटर्न हो गया। कई बार क्या होता है कि शोरूम वाले ना, शोरूम वाले डील कर लेते हैं कस्टमर से, फोन आया शोरूम में कि भैया मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए सामान, क्या मिल जाएगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आपने बोला इतनी क्वांटिटी सामान चाहिए मिल जाएगा, शोरूम वाले ने बोला कि हाँ, शोरूम वाले ने कस्टमर को बोला जी मिल जाएगा, शोरूम वाले ने यहाँ पे पूछा किससे, इस अकाउंटेंट से, भाई 1000 क्वांटिटी भेज दे। इसने बोला सर अभी भिजवा रहा हूँ, दोनों तरफ से ओके, ये भी बोल रहा है भिजवा रहा हूँ, इसने भी बोल दिया दे दूंगा, लेकिन दुकान में देखा तो सिर्फ कितने क्वांटिटी थे इसके पास, 900 क्वांटिटी। ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो जब कभी भी हमारे पास सामान नहीं है लेकिन हमने आगे प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं देंगे, देंगे जरूर, कहीं और से अरेंज करके चाहे देना पड़े। तो जब हमारे गोडाउन में सामान ही नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया मैं दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्टेज। उसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि शॉर्टेज पड़ गया हमारे पास सामान का। सिंपल सा देखो, वर्ड जो बनाया हुआ है ना, अगर आप सही से पढ़ाई करते हो ना, सही से स्टडी करते हो ना, तो जो शब्द बने हुए चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, आप डेली यूजेस में, अकाउंटिंग में तो यूज करते हो, लेकिन उसे कनेक्ट नहीं कर पाते बिल्कुल अच्छे तरीके से। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ ना शॉर्टेज, तो आपको पता है शॉर्टेज का मतलब क्या है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया सामान था नहीं लेकिन मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा, हमारा शॉर्टेज का पार्ट। तो यहाँ पे हमने दो बातें सीखी, हमें अकाउंटिंग किसके लिए करना है, हम सामान बेचने वाले भी नहीं है और हम सामान खरीदने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं हम एक मीडियोकर हैं जो कि हम सामान को क्या करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं, जिसको सामान का मतलब क्या, स्टॉक को मैनेज करने वाले हैं, और स्टॉक कहीं ना कहीं एक मटेरियल होता है, और इसको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। अकाउंट्स के अंदर इसको गवर्न करने की जिम्मेदारी AS2 उठाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि भैया इसकी देखरेख मैं करने वाला हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है हमें, जिसके ऊपर अप्लाई होता है। तो हमने क्या देखा सर, अब सर ये कैसे करेगा मेंटेन, ये साधारण व्यक्ति अगर आपको ही दिया जाए तो आप बिल्कुल रजिस्टर में एक मेंटेन करोगे, तो रजिस्टर में कैसे मेंटेन करोगे, कोई भी कॉलम हो सकता है, मान लेते हैं कि एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम बना लिए मैंने, सपोज करो बना लिए, यहां पे जो मेरे पास रिसीव होगा उसको लिखता जाऊंगा मैं, यहाँ पे जो मेरा इश्यू होगा उसको लिखता जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना बैलेंस है। मान लो मैंने रिसीव किया 100 यूनिट, बेचे मैंने, भेजे कितने यूनिट, 80, तो बच कितने गए, 20 यूनिट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट का हिसाब नहीं रखना, यूनिट के साथ साथ हमें उसके अमाउंट का भी ध्यान रखना है, ताकि हमारा अकाउंटेंट जो है एक्चुअल फिगर आउट कर पाए, क्योंकि हमने बोला कि भैया तुझे मैंने ना 100 रुपए वाला सामान दिया है, तो ये तभी प्रॉफिट मार्जिन करके आगे बेचेगा। कई बार दुकान पे ऐसा होता है, बोलता है कि भैया दो तरीके के स्टॉक है, एक पुराने एमआरपी वाला, एक नए एमआरपी वाला है, पुराने वाला स्टॉक पड़ा हुआ है आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, और नए वाला स्टॉक है वो आपको ऑन एमआरपी मिलेगा, ऐसा कई बार आपको दुकान पे देखने को मिलेगा। तो सेम वही तरीका होता है, क्योंकि इनके पास स्टॉक का सारा क्या रहता है, अपडेट रहता है। सर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की टाइमिंग दिया था, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं भाई, जो भी है ना आपका अभी जो भी है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मान लो आप जो भी है अभी आपकी क्लासेस चलेगी जब तक ये चैप्टर पूरा अभी खत्म नहीं हो जाता, आप सिर्फ देखते जाइए समझते जाइए, फिर सारे टाइमिंग वगैरह जो भी, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए डेली बेसिस पे, बच्चे नए न्यू ज्वाइन होते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि भैया आप आज ज्वाइन हुए कोई फर्क नहीं पड़ता पिछला चैप्टर आपको आता है या नहीं आता, ये किसी से लिंक नहीं है, आज आप आए हो तो बस तसल्ली रखो कि आज जो भी सीखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात हमने क्या देखा सर, हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं किसके लिए अकाउंटिंग करने वाले हैं, हम अकाउंटिंग करने वाले हैं गोडाउन के लिए, और गोडाउन वाले क्या बनाएंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे सर। रजिस्टर में कितने कॉलम खींचेंगे, ये तीन ही होना चाहिए, चौथा तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। और तीन कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो ये रिसीव के बारे में लिखेंगे, एक इशू के बारे में लिखेंगे, और एक बैलेंस के बारे में लिखेंगे। सर रिसीव के बारे में जब हम लिखेंगे तो रिसीव का मतलब क्या है, हमने सामान खरीदा है, नहीं हमें कहीं फैक्ट्री से माल आया हुआ है, हम खरीदने के रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो तो मालिक खरीदेगा, बस हमारे पास माल आएगा उसकी एंट्री हम करेंगे। इशू का मतलब क्या है सर, शोरूम से ऑर्डर आएगा भैया माल भिजवा दे, मैंने भिजवा दिया और एंट्री कर लिया। बैलेंस का मतलब मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है। जो बच्चे टैली वगैरह करते हैं ना लाइफ में, अकाउंटेंट वगैरह की बोलते हैं, जॉब करेंगे टैली करेंगे, तो उसके अंदर अच्छा खासा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, स्टॉक इन्वेंटरी एक टैली के अंदर होता है ऑप्शन, तो
तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, तो वो यहीं से मैनेजमेंट करना होता है। सेम ऐसा वो कंप्यूटराइज फॉर्मेट में बन जाता है, और ये वाला सेम हमारा क्या बन जाता है, एक मैनुअल फॉर्मेट में, जो हम सीखेंगे मैनुअल, क्योंकि कंप्यूटराइज तो अभी हम कर नहीं सकते। सर अगर हम रिसीव करेंगे ना, तो तीन बातों का ख्याल रखना है। एक सर कितने क्वांटिटी आया ये ख्याल रखना है, एक किस रेट का आया ये ख्याल रखना है, और एक टोटल कॉस्ट कितने की पड़ी हमें ये ख्याल रखना है हमें, क्योंकि उनके साथ ना बिल भी आता है। मान लेते हैं मेरे पास 1000 क्वांटिटी आए, तो मैं 1000 के इसके नीचे लिख दूंगा, 2 रुपए वाला था तो मैं किसके नीचे लिख दूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा, और फिर टोटल कितने का हो गया, 1000 × 2 टोटल हो जाएगा हमारा 2000। जब हम बेचेंगे तो तब भी तीन बातों का ख्याल रखना है सर, बेचेंगे तो कितने क्वांटिटी हमने बेच दिया, किस रेट का बेचा, और फिर हमारा पास टोटल कितने का बिका, ये याद रखना है। जब बैलेंस होगा तो बैलेंस में भी तीन बातों का ख्याल रखेंगे, क्या क्या, क्वांटिटी, रेट और टोटल कितने का बचा है। तो कुछ कुछ फॉर्मेट, ये बेसिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है, मैंने बोला ना कि एक तरीका है बनाने का जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। सर इसको, इसके अंदर ना कुछ कुछ मेथड्स भी हैं काम करने का, मैंने बोला ना कि पहले वाला पहले बेच देंगे, बाद वाला बाद में बेचेंगे, तो इसमें ना कुछ मेथड्स है। तो कितने मेथड्स है इसके अंदर वो भी हम देख लेते हैं फटाफट, कि इन्वेंट्री में कितने मेथड हैं। इन्वेंट्री के अंदर सर, इन्वेंट्री में कितने मेथड है, इन्वेंट्री क्या है सर, चैप्टर बोल लो, मटेरियल बोल लो, कुछ भी बोल लो आपकी इच्छा है, कितने मेथड है। हालांकि बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन प्योरली हमारे लिए और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है ना, वो तीन मेथड माने जाते हैं। और हम तीनों मेथड को ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले मैं लिख दूं, समझा दूं, फिर उसके बाद चलेंगे हम उस मेथड पे। सर कौन कौन से तीन मेथड है, एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 1 तारीख को समान, 2 तारीख को समान, 3 तारीख को समान और 5 तारीख को समान। इस दिन मैंने 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट और 400 यूनिट, ये हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, ये स्टॉक है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये स्टॉक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि भैया इसमें से कुछ स्टॉक को ना भेजने का टाइम आ गया है। मेरे पास फोन आया और बोला भैया सामान भेज दो, मेरे पास फोन आया और बोला सामान भेजो, भेजने का मतलब क्या कर दो, इशू कर दो। अब मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं कि मैं ये वाला सामान भेज सकता हूं या फिर ये वाला सामान, दो ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल। डेट के हिसाब से मैं रजिस्टर में एंट्री देखूंगा कौन सा सामान भेजना है। अब मेरे गोडाउन के अंदर 1 तारीख को सामान आया, 2 को आया, 3 को आया और 5 को आया, सबसे पहले कौन सा सामान आया मेरे गोडाउन में, 1 तारीख वाला। तो मैंने क्या करा, एक बार को ये वाला सामान मैंने भेज दिया, ये वाला सामान मैंने भेज दिया। उसके बाद फिर से फोन आया, भैया और 50 यूनिट भेजो, 100 तो भेज दिया और 50 भेजो। मैंने उसके बाद कौन सा भेज दिया, ये वाला। फिर मैंने क्या करा, 8 तारीख को और 800 यूनिट खरीद लिए। फिर मेरे पास फोन आया तो मैंने ये वाला भेज दिया। यानी मेरा टेंडेंसी देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, पुराने वाला माल को पहले बिक जाए ताकि खराब ना हो, पुराने वाले माल को हम पहले भेज रहे हैं ताकि खराब ना हो। तो इसका मतलब जो पहले आ रहा है ना हमें, उसको ही पहले भेज रहे हैं, जो पहले आ रहा है उसको हम पहले भेज देते हैं। यानी अगर इसमें से मैं बात करूं कि भैया 1, 2, 3, 5, 8 में से पहले कौन सा आया, तो जवाब है सर 1 वाला पहले हमारा आया। तो यानी जो पहले आया उसे पहले भेज देंगे। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में हम बात करें ना, इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो पहले आएगा यानी फर्स्ट, फर्स्ट आया का मतलब क्या होगा, इन, और भेजेंगे भी कौन सा, फर्स्ट, और गया का मतलब आउट। तो इसको प्यार से हम शॉर्टकट में अगर लिखें क्या बोलेंगे, फीफो। एग्जामिनर भी जानते हैं कि भैया लंबा नाम हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो वो इस नाम को क्या इस्तेमाल करते हैं, फीफो के नाम से बोलेंगे। फीफो का मतलब यही सिंपल सी बात है, पुराने वाला सामान भैया पहले बेचा करो, जो पहले गोडाउन के अंदर आया उसे पहले बेचो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हमारा फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले नाम में देख लो, क्योंकि बहुत बच्चे नाम में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है। फर्स्ट इन मतलब गोडाउन में पुराने, मैं लिख देता हूं कौन सा माल, इस वाले सिचुएशन में अगर ये मेथड आता है तो पहले कौन सा माल बेचोगे आप, नए वाला या पुराने वाला आपको बेचना है, यानी आपको सर इशू करना है, इशू करना है कौन से वाला सर, ओल्ड वाला पहले, बस याद रखने के लिए कई बार भूल जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद मान लेते हैं एक और मैं टेंडेंसी आपके सामने लेके आया, एक और लेके आया मैं आपके सामने सिचुएशन,
सर क्या सिचुएशन लेके आया कि मान लेते हैं आपके पास डेट हैं इतने सारे, और डेट इतने सारे, मैंने कहा मेरे पास फोन आया, ये सेकंड केस देखिएगा, मैं इशू करने जा रहा हूँ, मेरे पास फोन आया कि भैया एक काम करो 200 यूनिट भेज दो। मैंने क्या करा, यहां से 200 यूनिट उठा के भेज दिया। फिर फोन आया, भैया एक काम करो 700 यूनिट और भेजो। मैंने यहां से फिर से उठा के भेजा, कितने यूनिट सर, 600 ही है यहाँ तो, और मैंने 100 यूनिट यहां से उठा के भेजा। तो अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है सर। मैं पहले कौन सा भेज रहा हूँ, नए वाला पहले भेज रहा हूँ। अब इनमें से अगर मैं बोलूँ कि भैया इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा हमारे गोडाउन के अंदर एंट्री ले रहा है, तो आप बोलोगे सर 8 तारीख वाला जो है सबसे लास्ट में गोडाउन में एंट्री ले रहा है, 8 तारीख वाला सबसे लास्ट में एंट्री ले रहा है। मैं सिंपल सी बात करूँ तो सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लास्ट वाला जो ले रहा है ना, तो इसका भी एक नाम रख दिया गया। इसमें आपने क्या कहा, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, इसमें क्या है हमारा टेंडेंसी कि लास्ट में जो आया उसको हम पहले बेचेंगे, लास्ट में जो आया उसे पहले भेजेंगे, और लास्ट में को हम लिख क्या देंगे, लास्ट, और आया का मतलब इन, और बेचेंगे कब, फर्स्ट और आउट। मैं बेचेंगे वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये थोड़ा सा हमारे ना समझ में आता है, बेचेंगे यानी जा रहा है हमारे पास से। यानी सर यहां पे देखा जाए तो हमेशा आप क्या करोगे, न्यू वाले को इशू करोगे, न्यू वाले को इशू करोगे। सर यहां पे कौन सा स्टॉक इशू करोगे, सर न्यू वाले को इशू करोगे। एग्जाम में देखो सवाल आएगा, बहुत आसान है, कई बार बहुत सी चीजें ना आसान लगती है और हमें विश्वास भी नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन इतने नंबर का आ सकता है, लेकिन आता है तो आता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, अब ये तो तारीख वाइज था, ठीक है ना, तारीख वाइज था इसका काम। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसका प्राइजिंग इतना सेंसिटिव होता है, हर एक टाइम में चेंज हो जाता है, हर एक टाइम में, एक दिन में वो मान लेते हैं 1 तारीख को सामान खरीदता है, 1 तारीख को कैसे खरीदता है, सुबह 8 बजे खरीद रहा है, 9 बजे खरीद रहा है, 10 बजे खरीद रहा है, 11 बजे खरीद रहा है, 12 बजे खरीद रहा है, फिर 2 बजे, यानी एक दिन में ही कई बार सामान को खरीद रहा है और फिर इसको सप्लाई कर रहा है। कुछ ऐसा काम है कि एक दिन में मैं कई बार सामान को खरीदता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, सप्लाई कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ये मार्केट काफी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने का मतलब कि सर हम एक दिन के प्राइस में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन सा भेजना है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहां पे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसलिए हो गया क्योंकि तारीख था हमारे पास, एक बार सामान आया हम आराम से बैठे हुए हैं, उसके बाद हमने क्या करा, उसको भेज दिया भाई, फिर दोबारा सामान आया, फिर देखेंगे। यहाँ पे तो फटाफट आ रहा है, हम अब कौन सा सामान पहले दें ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एवरेज का सहारा ले लेते हैं कि हम क्या प्राइस पे बेचेंगे उसको, एवरेज पे हम उसको बेचेंगे, किस प्राइस पे, एवरेज पे बेचेंगे। तो एवरेज पे जब बेचेंगे तो उसका नाम हो जाता है हमारा सर वेटेड एवरेज। यहाँ पे क्या है, सिंपल एवरेज भी सिलेबस का पार्ट है लेकिन वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेज का मतलब सर ये उनके लिए पॉसिबल होता है जो फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, और ये सारा काम पता है कौन करते हैं, वैसे ये करते हैं जैसे कि मनी एक्सचेंजर है, मनी का प्राइस जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली क्या होता है सर, चेंज हो जाता है। गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड का आज जाओ रेट लेने, उनके जाओगे ना दुकान पे, वैसे आप जैसे बड़े दुकान पे जाओगे तो वहां पे रेट लिस्ट चलती रहती है, आप आज लेने जाओ क्या रेट है सर, आज 55,000 है। आप कई बार जाना पेरेंट्स से पूछना कि गोल्ड लेने जा रहे हैं, तो आप जब गोल्ड लेने जाओगे ना तो बोलोगे कि भैया ये तो पसंद आ गया 2 दिन बाद ले जाएंगे, तो वो तुरंत बोलेगा भैया 2 दिन बाद ना इसका प्राइस चेंज मिलेगा, हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है, तो हर सेकंड में उनका प्राइस चेंज होता रहता है। तो वो क्या करते हैं सर, पिछले दिन का जो एवरेज प्राइस है ना वो आज बताएंगे, आज वाला प्राइस नहीं बताएंगे। आप चाहे तो चेक कर लेना, शेयर मार्केट पे आप जाओगे ना, आप गूगल पे लिख लेना गोल्ड प्राइस टुडे, वहां पे दिखा रहा है 55,000, और शायद दुकान पे बोल रहा हूँ आपको 56,000, शायद दुकान पे बोल रहा हूँ 54,000, तो वो कल वाले का पूरा एवरेज प्राइस आज बेच रहे होते हैं लेके वो। तो ऐसे मार्केट जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है उसको बोलते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड। तो सर हमारे पास टोटल मिला के कितने मेथड हो गए, 3, जो मेन मेथड है, इसके अलावा भी बहुत मेथड है हमारे, एवरेज प्राइस मेथड है, सिर्फ एवरेज मेथड है, लेकिन हमारा टोटल मिला के 3 मेथड है, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक है वेटेड
एवरेज है। सर अब यहां पे काम करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं हमारे काम करने के, अब काम करने के तरीके भी देखो यहां पे दो हैं। सर दो तरीके कौन कौन से हैं काम करने के, जैसे सपोज करो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही आया सामान जैसे ही लिया फटाफट से हमने क्या करा उसका एंट्री कर लिया, कुछ लोग जो होता है फटाफट एंट्री करता है यानी इंस्टेंट एंट्री करेगा, वो इंस्टेंट अपने रजिस्टर के अंदर क्या कर लेगा एंट्री कर लेगा, और कुछ लोग ऐसा होता है कि भैया पहले सामान खरीद लेते हैं पूरा और संडे वाले दिन जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन हिसाब करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों की फीस आया मैंने कंप्यूटर पर उसी टाइम एंट्री मार दिया, और जहां पे कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी मेरे पास मैं पहले पूरी फीस लेता था और संडे को बैठ के मैं काम करता था। तो दो तरीके की टेंडेंसी हो गई, एक क्विकली काम कर रहे हैं और एक कुछ टाइम के बाद। तो इसको भी रिकॉर्ड करने के दो इसके अंदर प्रोसेस होता है, एक होता है हमारा परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम का मतलब इंस्टेंट रिकॉर्ड करना, जो इंस्टेंट रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलेंगे परपेचुअल सिस्टम, और जो कि हम थोड़े टाइम बाद इकट्ठा ही रिकॉर्ड करेंगे उसे क्या बोलेंगे पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम बोलेंगे उसे। पीरियोडिक सिस्टम का मतलब सर जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने पूरे हफ्ते सामान खरीदा, संडे वाले दिन फ्री होंगे और उस दिन क्या करेंगे इसको हम लिख लेंगे, या फिर संडे वाले दिन फ्री होंगे जितना इशू किया उसको लिख लेंगे। अब पीरियोडिक सिस्टम कौन फॉलो करता है, पीरियोडिक सिस्टम वो फॉलो करता है जिसके दुकान पे दुकानदारी बहुत कम चलती है, जिसके दुकान पे कस्टमर का इतना रश नहीं होता, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे पीरियोडिक। लेकिन जिसके दुकान पे बहुत ज्यादा कस्टमर होता है वो तो सोचेगा यार आज नहीं लिखा तो कल तो भूल जाएंगे हम, तो वो कौन सा फॉलो करने वाला है हमारा परपेचुअल सिस्टम। तो कितने सिस्टम हो गए आपके इन्वेंटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा इकट्ठा एक बार करेंगे, और परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा हमारा रोजाना काम करना होगा, रेगुलर काम करना होगा। तो सिंपल सी बात करते हैं इन्वेंट्री के अंदर क्या चल रहा है, सर तीन मेथड्स हैं, तीन मेथड्स है, एक कौन सा है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसे लिफो बोलते हैं, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसे फीफो बोलते हैं, और एक वेटेड एवरेज। और इनको भी मेंटेन करने के दो सिस्टम है, एक कौन सा है हमारा परपेचुअल सिस्टम और एक कौन सा है हमारा पीरियोडिक सिस्टम, दो मेथड है हमारे। तो अगर हम देखें यहां पे, तो अगर हम यहां पे देखें तो सिंपल सी बात है सर इन्वेंटरी में क्या कहा गया है देखते हैं हम क्या लिखते हैं, कहा गया कि रिकॉर्डिंग द आपका पर्टेनिंग द क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी रिकॉर्ड करना है, वैल्यू रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री आपका हेड कैन बी मेंटेन, जो स्टॉक है ना उसको मेंटेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू सिस्टम, दो सिस्टम है, एक है सर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। थ्योरी भी पूछा जा सकता है कि इन्वेंटरी मेंटेन करने के बताओ कितने सिस्टम है, तो मैंने देखा ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं लीफो फीफो वेटेड एवरेज, तो ये गलत जवाब है, सिस्टम हमारे दो है और मेथड हमारे तीन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब पूछा जाए, तो तीन से ज्यादा भी मेथड है। तो हम बेसिकली ना सिंपल सी बात है हम सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होने वाला है और किस तरीके से हम काम करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन है, और मैं एक ही सवाल लेके तीनों मेथड करके बताने की कोशिश करूंगा, एक ही सवाल लेके। कौन सा चैप्टर है सर, चैप्टर नंबर ये 2 मिलेगा आपको, कुछ बच्चों को मैं बता दूंगा लास्ट में, अभी आप समझते जाइए। कह रहे हैं बच्चे मैं अभी फिलहाल के लिए बच्चे पूछ रहे हैं सीए इंटरमीडिएट में भी है फाइनेंशियल सेम में, भाई बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं भैया आपके, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं देखो ये बहुत जगह है, सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 4 में है, सीए इंटरमीडिएट में है, सीएमए में है, तो लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं बड़ी सीधी सी बात है हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो एक बार देखेंगे, क्योंकि ये आगे चल के थोड़ा सा हैवी होने वाला है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वो सारी बातों को देखेंगे। मैं एक सवाल लूंगा, उस सवाल को मैं एक बार आपको लीफो से फीफो से करके दिखा दूंगा, उसी सवाल को मैं एक बार लीफो से करके दिखा दूंगा, उसी सवाल को मैं एक बार वेटेड, तो एक सवाल से जब मैं तीनों मेथड करूंगा तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा भैया एक्चुअल डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है ना। सेम ऐसे मैं बात करूं तो ये चैप्टर ना सेमेस्टर 1 के अंदर तो बस यहीं तक रहता है, मतलब ये चैप्टर आया इसमें से क्वेश्चन आया, लेकिन जब सेमेस्टर 4 के अंदर जाते हैं ना तो ये चैप्टर आने वाले कॉस्टिंग के कई चैप्टर में इनकॉर्पोरेट हो जाता है,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक रहता है। तो ये चैप्टर में जो बच्चे सेमेस्टर वन में हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आगे काम आता है। जो बच्चे सेमेस्टर फोर में हैं उसको भी समझना पड़ता है क्योंकि आगे उसके लिए काम आता है। बस मैं ये कहूंगा। तो एक सवाल लेते हैं आपके सामने, एक बेसिक सा सवाल है ये, और इस सवाल को हम जितने भी मेथड है ना उन सभी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं, इसको नीचे करना बेटर है। नोटिंग वगैरह भी आपने कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा यूनिक, कई बच्चे किताब में से भी करते हैं। तो मैं पहले बता दूं किताब का फॉर्मेट और मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है। मैं थोड़ा एक दो डिटेल ना फालतू डाल देता हूं इसमें, डेट का, आप एक बार देख लीजिएगा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मैं पर्टिकुलर, फिर मैं लिखूंगा रिसीव, फिर मैं लिखूंगा इशूड, और लास्ट में क्या लिखें। और इसको ना एक नाम से जाना जाता है, एग्जाम में कई बार बोलते हैं क्वेश्चन लीफो फीफो से तो पहचान जाते हैं, स्टोर लेजर भी बोलते हैं। लेजर क्या होता है, बेसिकली रजिस्टर, जैसे आपका अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस रजिस्टर, ऐसे ही स्टॉक को जहां मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं स्टोर लेजर। तो इसके ऊपर जो लिखना है ना आपको स्टोर लेजर लिखना है। क्या चीज, लीफो फीफो। हाँ एग्जाम में क्या आता है, आपके क्वेश्चन तीनों मेथड भी दे देंगे, बोलेंगे तीनों से करके दिखाओ तो ज्यादा मार्क्स बढ़ा देंगे। एक मेथड भी आ सकता है, दोनों भी, हालांकि इसमें लीफो और फीफो बोला गया है तो आप इन पे ध्यान मत दो। मैंने कहा इसी सवाल को ना मैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। सर इसके बाद सर तीन कॉलम, किस किस चीज के, सर तीन कॉलम होगा, एक क्वांटिटी, एक रेट, एक टोटल का। सर इसमें क्या क्या लिखना है, क्वांटिटी किस रेट का आया और टोटल, क्वांटिटी किस रेट का आया, टोटल क्वांटिटी किस रेट का आया, टोटल। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, हालांकि बुक के अंदर ना दो कॉलम नहीं देते वो, लेकिन मैं दो कॉलम एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, उसमें कोई चिंता नहीं करना, कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। मेरे सबसे सिंपल सी बात है, डिटेलिंग के लिए कर रहा हूं।
इसको जो बना रहे हैं ये कौन सा हमारा है स्टोर लेजर। पहले मैं कौन सा मेथड कर लेता हूं, पहले मैं कर लेता हूं आपका लीफो फीफो कर लेते हैं, पहले फीफो कर लेते हैं फिर लीफो कर लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है, कोई भी मेथड करें हम एक समझ जाएंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। फीफो के अंदर देखा जाए तो डेट हमारे पास काफी सारे गिवन है, तो फीफो के अंदर क्या होता है सर, फीफो के अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट इन यानी पुराने वाले सामान को पहले बेचेंगे, तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कहता है 1 जनवरी 2003 में, तो सर डेट है यहाँ पे 1 जनवरी, मैं सिर्फ 1 जनवरी लिख रहा हूँ, 3 वगैरह नहीं लिख रहा। और आपने क्या करा सर, रिसीव किया है, रिसीव किया है सर, कितने रिसीव करे हैं, कहता है 1000 यूनिट रुपए का, यानी 1000 क्वांटिटी 1 रुपए के हिसाब से तो आपने सामान रिसीव किया सर। जब 1000 करा सेल्स तो हुआ नहीं, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा सर, 1000 ही बचा है, और 1 रुपए का ही कितने बचे हमारे पास, 1000 बनाए, बड़ी सीधी सी बात है। इसके बाद मैं यहां पे फिर से जनवरी 10 में फिर से रिसीव किया 226, 10 जैन को, 10 जैन को फिर से रिसीव किया सर, कितने रिसीव किए हमने, 260, मैंने 226 बोल दिया था, 260 कितने रुपए वाला, 1 रुपए 1.05, 1 रुपए 5 पैसे। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कितने आ रहे हैं, 200, 273। नाउ 273 के बाद अब देखते हैं क्या सर, सेल हुआ इस डेट पे तो कोई सेलिंग नहीं है, तो इसे डैश लिख रहा हूं। अब हमारे पास दो प्रकार के स्टॉक आ गए, ये पुराने वाला तो है ही है सर, ये तो है ही है 1000, और एक और खरीद लिया 260, और ये आ गया 1 रुपए 05 के हिसाब से, और टोटल आ गया 273 का, टोटल आ गया 273 का। अगले पे चलते हैं सर, तीसरा 20 जनवरी को इसने क्या करा है सर, इशू कर दिया है, 20 जनवरी को क्या करा है, इशू कर दिया है, तो 20 जनवरी को इसने करा इशू, तो सर इशू में ये वाला कॉलम खाली रह जाएगा क्योंकि इस दिन हमने क्या करा है, बेचा है। अब बेचा है तो इशू वाले में चले जाएंगे। अब मैं बेचना वर्ड जरूर इस्तेमाल करता हूं ताकि समझ आए, बाकी हम बेच नहीं रहे, हम शोरूम में भेज रहे हैं सिर्फ। कितने इशू किए, 700 यूनिट किए हैं। तो भैया समस्या ये है, हम मेथड कर रहे हैं फीफो, तो पहले 1000 में से निकाले या 260 में से निकाले, तो जवाब है 1000 में से, तो 1000 वाले में से निकालेंगे, और 1 रुपए वाला 1000 ही मैंने लिख दिया है। यहां कितने बेचने हैं, 700, तो मैंने यहां लिखूंगा 700, और 1 रुपए वाला है दैट इज आपका 700 हो जाएगा। और अब हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा सर, इसमें से तो चले गए 700, तो यहां बचा हमारा 300, 1 रुपये वाला यानी 300, और ये 260 को तो अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया, बेचा ही नहीं है। चलिए सर अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 21 जैन। 21 जैन को क्या करा है सर, फिर से हमने 21 जैन को खरीदारी कर ली है, 21 जैन को मैंने खरीदारी करी है 400 यूनिट, तो 21 जैन मैंने रिसीव कर लिया कितने यूनिट सर, 400 यूनिट रिसीव कर लिया। 400 यूनिट कितने रुपए वाला था, रेट बताना है। अब रेट था हमारा 1 रुपए 15 पैसे, कितने का होगा, 460। नाउ इशू वाला कॉलम रह जाएगा खाली। अब तीन तरीके के वैरायटी हो गए मेरे पास, 300 और 400, ये रुपए वाला है 300, ये 1 रुपए 50 पैसे 5 पैसे वाला,
ये हो गया 460 रुपये, ठीक है। मैं क्वेश्चन को ऊपर नीचे जरूर कर दूंगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास क्वेश्चन दिखाने के लिए नहीं होगा, मैं ऊपर कर दूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है सर? अगला हमारा 22 को फिर से रिसीव हो गया, ये लो। कितना रिसीव करेंगे ये? 22 जैन को रिसीव हुआ, 22 जैन को जो रिसीव हुआ ना, वो रिसीव हुआ 300 यूनिट, और रुपए क्या भाव का था ये? 1 रुपए, तो कितने हो गए? 375। अब मैं बात करूं ना अमाउंट वगैरह की, तो मैं इसे ऊपर कर देता हूं थोड़ा। यहां तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक देख रहे हैं आपने, है ना? तो अगर हम बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस के केस में हमारे पास चार तरीके के वैरायटी हो गए, 300, 260, 400। ये तो पुराना है, एक 1 रुपए 15 पैसे, सॉरी 1 रुपए 5 पैसे, 0.5 और 1 रुपए 15 पैसे। इसके बाद एक और वैरायटी आ गया सर, 300 यूनिट, कितने वाला? 1 पॉइंट। ये आ गया 300, 273, 460, 375, 375। अब आगे क्या कहता है? 23 जैन के, 22 जैन के बाद 23 जैन को, 23 जैन को कहता है इशू 620 यूनिट। 23 जैन को क्या कर दिया? इशू कर दिए सर। कितने कर दिए? 620। तो यहां तो ब्लैंक रह जाएगा। अब 620 करें, मेथड चल रहा है फीफो, तो पहले तो भैया ये वाला बेचो, तो 300 ये वाला बिकेगा, रुपए वाला। अब भैया यहां पे हमें टोटल कितने बेचने? बेचने टोटल हमें 600, तो अभी और चाहिए 320, तो 260 ये भी बेचो। अब ऐसा नहीं कि 300 यहां से उठा लेंगे, हमें सीक्वेंस से ही चलना होगा, 1 रुपए 5 पैसे। अब और भी चाहिए हमें, और कितने चाहिए सर? 60 यूनिट और चाहिए, 60। अब 60 ये भी निकल गया, अब इसमें से लेंगे तो कितने रुपए? 1 रुपीज 15 पैसे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से कर रखा है 273, और इसको करेंगे तो हम क्या आएगा? 69। अब बैलेंस की बात करते हैं, भैया ये तो बचा नहीं, ये तो बचा नहीं, ये बचा है, लेकिन इसमें से भी 60 बेच चुके हैं, तो बचा कितने? 300, 340। कितने वाला? 1 रुपए 15 पैसा। ये पूरा ऐसे ही बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3, और ये वाला आ जाएगा 375। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, अभी काफी क्वेश्चन करेंगे हालांकि हम, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि कैसे होगा। इसके बाद फिर बेच दिया 24 तारीख को, यानी सर 24 को फिर से इसने इशू किए, और कितने यूनिट इशू किए इसने सर? अब 240 भैया यहीं से आ जाएगा, 240। कितने रुपए वाला? 1.15। कितने बनते हैं? 276, 276। यहां बचा कितना? 100। कितने रुपए वाला? 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 115। ये 300 भी तो बच रहा है, 1.25, दैट इज 375। चलिए सर इसको थोड़ा सा साइज कम कर दें।
चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब कहता है भैया फिर से इसने रिसीव कर लिया, तो रिसीव जब किया है इसने, कब किया रिसीव? 25 तारीख को। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, रिसीव किया हमने कब? 25 को। सर कितने रुपए का रिसीव किया? 500 यूनिट। क्या रेट का था? 1 रुपए 10 पैसे। कितने का पड़ गया? 550 का। अब देखा जाए बैलेंस में पहले से ही हमारे पास दो वैरायटी था, अब एक तीसरा रेट वाला भी आ गया, 1.25। कितने वाला आ गया? ये उठ के आ जाएगा 500 वाला, दैट इज 1.10। ऊपर आ जाएगा 115 और ये आ जाएगा 550। चलिए सर, अब जैन को 26 को इसने इशू कर दिया, 26 जैन को इसने इशू कर दिया, 26 जैन को इसने क्या करा? इशू कर दिया। खड़े हो जाओ वहां से, यहाँ आ जाओ। हाँ जी जल्दी आ जाओ। 26 जैन को इसने इशू कर दिया। सर जब इशू किया इसने तो कितने यूनिट इशू करा? 380। 380 में तो पहले 100 ये जाएंगे, अब 280 चाहिए तो इसी में से 280 लेंगे, यानी 1.15, 115। सर 280 वाला देखा जाए तो 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ रहे हैं? 350। अब यहाँ पे 300 में से 280 गए तो बच गए थे 1.25 वाले, और 500 आपके बच गए 1.10। तो सर 550 और इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या बनता है? 25 रुपए। आपसे सवाल पता है क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा नंबर 1, भैया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का क्या बताना है? वैल्यू। तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? इसका टोटल कर लो। टोटल करोगे तो क्या आएगा सर? 575। 575 रुपए टोटल आ गया, तो आंसर 575। तो या आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछे, आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या बोला जाएगा कि हमने कुछ खर्चे किए हैं, एक्सपेंस किए हैं डायरेक्ट, मान लेते हैं 2000 रुपये या 200 रुपये का। आप बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आपने कितने रुपए का सामान बेचा है, ये सवाल पूछा गया आपसे। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए पता है क्या करना होगा आपको? बड़ी सीधी सी बात है, ये वाला कॉलम इशू का टोटल है, ये वाला जो टोटल है इशू का, तो आप शुरू से एंड तक जितना भी आपने इशू किया, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये इधर आ जाओ भाई, क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट मैं इसको मिटा भी दूँ। अगर मैं इसको मिटाऊं तो पीछे का भी मिट गया क्या? ओके चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है? तो यहां पे टोटल किसका करेंगे हम? इशू वाले का टोटल कर लेंगे। करिए कितना बनता है? टू जीरो 2083 बना, ठीक है? तो मेरे से पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो COGS इज इक्वल टू आपका 2083 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सर, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है? 200 का, तो इसका आ गया 2283 रुपये। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ, यानी प्लस कर देंगे जितने का सामान था और जितना खर्चा हो गया, तो ये क्या हो गया? COGS। अगर सवाल में देखा जाए, पूछा जाए कि आपने टोटल यूनिट कितना बेचा है ये बताओ,
टोटल यूनिट कितना इशू किया है? तो आपसे अगर मैं पूछूं टोटल यूनिट बताओ इशू का, सवाल पूछ लूं मैं टोटल यूनिट, तो बड़ी सीधी सी बात है इशू वाले टोटल क्वांटिटी में जाएंगे 1900। हाँ किधर सही तो कर रहे हैं, हाँ तो इशू का ही तो पूछ रहे हैं। हाँ टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं, ये लिखा हुआ है देखो, टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं? तो जवाब है सर 1940, 1940। अगला सवाल पूछा अगर हम इसे 2 रुपए के हिसाब से बेच दें तो प्रॉफिट बताइए कितना होगा। अगर हम इसे 2 रुपए के हिसाब से बेचें तो प्रॉफिट बताइए, तो 2 के हिसाब से अगर बेचते हैं तो सेल्स का वैल्यू क्या आएगा सर? 1940 इंटू में 2 यानी 3880, और आपका खर्चा कितना हो रहा था? 2283। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो या कुछ भी बोल दो। तो ये तो मैं अलग से बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर ऐसा एक पॉइंट डाल सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है यार, हमने तो लीफो फीफो सीखा, एग्जामिनर तो जीपी पूछ रहा है बेच के। तो सिंपल सी बात है, आपको क्वांटिटी टोटल करना है और उसके हिसाब से बता दोगे। यहाँ पे जो है आपका पूरा सिंपल सा एक फॉर्मेट किया, ये किससे किया हमने? फीफो से। इसमें किसी को डाउट है अभी तक तो बताओ, फिर हम इसी सवाल को, सेम सवाल को लीफो से करेंगे, फिर सेम सवाल को वेटेड एवरेज से भी करने वाले हैं। पहले इसमें किसी को डाउट? इसमें कोई डाउट है तो बताइए फटाफट, देखिए। जी बताइए सर, डायरेक्ट एक्सपेंस 200 कहाँ से आया? ओहो, ये मैंने अपने मान लिया था, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे ना ये मैंने माने हैं, सवाल के पार्ट नहीं था, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था। COGS प्लीज रिपीट। COGS होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट कितने का पड़ा। हम आगे पढ़ने वाले हैं COGS, तो कॉस्ट कितने का पड़ा सर? सिंपल सी बात है, एक तो कॉस्ट और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट और प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, उसे क्या बोलते हैं हम? सीओजीएस बोलते हैं एक तरीके से। तो बस जो भी आपका कॉस्ट होगा उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो सीओजीएस। हालांकि सीओजीएस का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं कुछ ओपनिंग और कुछ क्लोजिंग, तो फाइनली हमारा टोटल करके ये निकाल सकते हैं। चलिए इसी सवाल को नोटिंग एक बार ही कर लेना, ठीक है? इसी सवाल को किससे करके ट्राई करते हैं एक बार। आप भी फॉर्मेट बनाइए और मेरे साथ साथ करिएगा,
मैं भी देखो, मैं चाहूं तो कॉपी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहां पे करके दिखाऊंगा ताकि आप भी फॉर्मेट बनाएं। आप भी एक बार फॉर्मेट बनाइए साथ के साथ। इसको स्केल से बनाना। COS, बात एक ही, आपने आधा लिखा है COS, कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है वो, और सेम बात होती है, ज्यादा फर्क नहीं रहता हमारा इसमें। कभी डिटेल में करेंगे इस पे डिस्कस। भाई जल्दी जल्दी बनाइए, मेरा फॉर्मेट बनने वाला है। ऑफलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका रजिस्टर जरूर चेक करूंगा आज, फिर भेजूंगा घर। पहले हमने किया था फीफो, अब कर रहे हैं लीफो, ठीक है ना? पहले फीफो कर लिया था, अब लीफो करते हैं। चलिए, कर लिया फॉर्मेट तैयार। अब देखिए, पहला पॉइंट कहता है एक जैन को रिसीव किया। कहानी एक बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस भी कह सकता है, 1 जनवरी को हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बैलेंस पड़ा रहेगा तो ये भी ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा, सिर्फ बैलेंस वाले कॉलम में हम लिख लेंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर बार यहीं से स्टार्ट होगा, कई बार सवाल में ऊपर कह सकता है बैलेंस है, तो बैलेंस वाला हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग एक डेट को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैलेंस BD, और ये सारा हमारा ब्लैंक रहेगा, बस बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, रिसीव 1 जैन 1 2003, तो 1 जैन, फिर से हमने रिसीव, सर कितने क्वांटिटी, 1,000, 1 रुपए वाला 1,000 बचा, सर इशू में कुछ नहीं होगा, 1,000, 1 रुपए यानी 1,000,
जैन 10 को भी रिसीव किया है हमने, जैन 10 को रिसीव सर कितने रुपए का रिसीव किया? 260 यूनिट, 1 रुपए 5 पैसे, 273। ये हाइफन रह जाएगा। अब दो तरीके के समान हो गए हमारे पास सर, कुछ फर्क तो है ही नहीं, पहले जैसा ही है, अभी फर्क दिखेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैन 20 को इशू कर दिया, 20 जैन को इशू कर दिया सर, जो 20 जैन को हमने इशू किया है ना, कितने यूनिट इशू किए हैं? 700। तो ये खाली रह जाएगा, 700 इशू किया। मेथड है लीफो, लीफो का मतलब जो सबसे लास्ट में आया है, सबसे लास्ट में आया है का मतलब नए वाला। तो आपके सामने दो तरीके के स्टॉक है, एक पुराने वाला एक नए वाला। तो हमें कितने यूनिट इशू करने हैं सर? 700। तो अगर हमें 700 करने हैं तो 700 में से पहले नए वाला निकालो सर। तो नए वाला कितना निकलेगा? 260 और रुपए 105, 273। और बाकी और कितने करने हैं 700 में? 340, 440। क्यों? अच्छा 440। तो अब करने हमें 440, दैट इज 1 रुपए वाला, ये आ गया 440। अब हम देखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस ये वाला थोड़ी बचेगा, ये तो बिक गया यानी निकल गया, इसी में से बचा होगा हमारा कितने? 560। और ये 1 रुपए वाला है 560। मैं फर्क भी दिखाता जाऊंगा कि आप देखेंगे पहली दो एंट्री में यहां भी सेम था, लेकिन जब हमने ये वाला इशू किया था तो यहाँ पे दो तरीके के वैरायटी बचे थे और दोनों का अमाउंट भी अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का वैरायटी हमारे पास बचा हुआ है। तो मेजर डिफरेंस जो आता है ना, जो मेथड चेंज होता है, वो लीफो और फीफो चाहे वेटेड हो, वो आपको रिसीव में कभी भी नहीं दिखेगा, हमेशा दिखेगा कहाँ पे इसका इम्पैक्ट? इशू प्राइस के अंदर, ठीक है ना? इसका प्राइस का इम्पैक्ट दिखेगा इशू में। चलिए सर अगले डेट पे आ जाते हैं। फिर से 21 जनवरी को रिसीव किया, 21 जैन को आपने रिसीव किया, कितने रिसीव किए हैं? 400 यूनिट, कितने रुपए वाला? 1.15, कितने हो गए? 460, कितने हो गए? 460 सर, ये तो ब्लैंक रह गया। अब मेरे पास दो वैरायटी हो गए, एक 560 1 रुपए वाला, एक 400 1.15 वाला। इसका कीमत हो गया 560, इसका कीमत हो गया 460। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि यहां कोई जरूरत है नहीं, हालांकि इसको मैं ऊपर कर देता हूं। चलिए हमने कहाँ तक कर लिया सर? 21 तारीख तक, 22 तारीख को भी रिसीव किया है हमने सर, 22 तारीख को जो रिसीव किया है, बाईस जैन कितने रिसीव किए हैं सर? रिसीव किया है हमने 300 यूनिट, कितने रुपए वाला? 1.25, कितने रुपए का? 375। अब हमारे पास तीन तरीके के वैरायटी, 560, 400, 300, 1 रुपए, 1 रुपए 15 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे। तो 375 रुपए का, 460 रुपए का और 560 रुपए का। जिसको दिक्कत हो ना रोक लेना यहाँ पे कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो फिर तो आगे बढ़ने के बाद फिर यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत?
अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। अब इशू किया है, अब फर्क दिखना चालू हो जाएगा। इशू जो हमने किया है कब किया है सर? ये किया है जैन 23, तो 23 जैन को इशू किया है। कितने यूनिट किए हैं सर इशू? आप देखिए ये 620 यूनिट। तो अगर हमने 620 यूनिट इशू किए हुए हैं तो उस सिचुएशन में ये तो रह गया ब्लैंक, नहीं। हाँ, अब इशू वाले में आ जाते हैं तो हमें कौन सा पहले बेचना है? पहले 300, क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है? लीफो। तो पहले नए वाला बेचो, 300 वाला 1.25 गया, करना 620 है। अब 400 में से बेचो 320, कितने वाला? 1 पॉइंट, तो ये तो 375 हो गया, ये कितने हो गए बताओ? 368। बैलेंस जो बचा ये तो बचा ही नहीं, 400 पहले हमारा 560 तो पड़ा हुआ ही है एक रुपए, और 400 में से भी 320 चला गया तो 80 पड़ा हुआ है, एक रुपए 15 पैसे। तो ये 560 और ये कितना हो गया? 92। तेईस तारीख के बाद 24 को 240 और इशू कर दिए, 24 जैन को 240 और इशू कर दिए हमने सर। जो 240 इशू किए हैं हमने, तो अब हमारे पास दो तरीके के स्टॉक हैं। अब पहले तो 80 ये निकालो, एक रुपए 15 पैसे। 240 में और कितने चाहिए सर हमें? 60 चाहिए, 160 ऊपर वाले में से निकाल लो, रुपए वाले में से, तो 160 और ये हो गया 92। अब यहाँ पे जो बचे हैं ना मेरे पास 400 यूनिट, वो सिर्फ एक वाला बचा है हमारे पास 400 रुपए का। अब इसके बाद फिर हमने रिसीव किए कितने? 500 यूनिट हमने रिसीव कर लिए, 500 यूनिट। थोड़ा रिसीव कर लिए 500 यूनिट, रिसीव कब किए हमने? 25 को। सर कितने यूनिट, कितने रुपए वाला, कितने रुपए हो गए? ये तो खाली हो गया। अब हमारे पास दो प्रकार के वैरायटी हैं और एक है हमारे पास 500, एक रुपए 10 पैसे, यानी सर 400 रुपए का सामान और 550 रुपए का सामान। अगला आ जाता है 26 जनवरी को। 26 जैन को आपने क्या कर दिए सर? 26 जैन को आपने इशू कर दिए। 26 जैन को क्या इशू किए सर? एक तो आपने ये किया है, 500 कर दिया, कितने इशू किए आपने? 300, तो इसी में से निकल जाएंगे, एक रुपए 10 पैसे, कितने बनते हैं? 400। अरे मैंने गलत जगह ले लिया, हाँ 380। अब जो मेरे पास बचा है 400 पुराने वाला, एक रुपए के हिसाब से 400 और 500 में से 380 चले गए तो 120, एक रुपए 10 पैसे के हिसाब से, ये भी एक स्टेप पीछे चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। ये कितना हो गया? 132। अगेन मैं आपसे पूछता हूं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए, तो कितना बनेगा? 532, जो सवाल पूछा गया। पिछले सवाल में देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, इस वाले में कितने का है। तो आपका मेथड बदलने से यूनिट भी देखिए। चलिए पिछले बार यूनिट कितने थे, यूनिट कितने थे, इस बार यूनिट कितने हैं? तो यूनिट में थोड़ी फर्क होगा, पहले भी यूनिट इतने ही थे, अब भी यूनिट, लेकिन प्राइस में फर्क हो जाता है, क्योंकि हमने जो बेचा ना वो बेचने का स्ट्रेटेजी क्या था हमारा, अलग था। क्या यहां पे सीओजीएस सेम रहेगा? नहीं,
अगर मैं आपको पूछूं कि कितने यूनिट कितने का बेचा है, बताइए आप कितने यूनिट इशू हुए टोटल, तो यूनिट तो सेम रहने वाला है, लेकिन आपका जो ये टोटल करोगे ना, जो यूनिट वाले कॉलम का, वो क्या आएगा, कंप्लीटली अलग आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको, डिफरेंशिएट क्या है? तो चलिए आपके लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। किसी को डाउट इस सवाल में बताइए। दो मेथड हमने कर लिए, ये लाइन और नीचे खींच देते हैं जिसको दिक्कत होगी। दो मेथड कर लिए हमने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं डाउट किसी को? सारा समझ में आ रहा है? हमने लीफो का भी देख लिया और फीफो का भी देख लिया। इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे, वेटेज का। वेटेज के अंदर क्या फर्क रहेगा अभी हमें पता चल जाएगा। वेटेड एवरेज लास्ट मेथड है हमारा, वेटेड एवरेज। फिर इसके अंदर शॉर्टेज वगैरह या फिर आपका सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, प्री ओडिक, सारा आज हमें से आज खत्म ही करना है इसको कैसे भी करके, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक देखो ना, तो अगर मैं बताऊं ना, तो मुझे सिर्फ फॉर्मेट बनाने में और एक एक चीज करने में टाइम लगा है। बाकी लर्निंग वाला ना, इसमें 15 मिनट का काम था कि भैया एक बार समझ में आए फिर हम फटाफट उसको क्या कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए वेटेज वाले की बात करेंगे अब। चलिए एक बार और फॉर्मेट बनाइए। नोटिंग आपको पीडीएफ मिलेगा आज सारे बच्चों को। फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूं ना, बनाइए, ये देखूंगा मैं। कुछ बच्चे सेमेस्टर फोर में कहते हैं कि सर ये तो पहले करा था हमने सेमेस्टर वन में, क्या सेम वही है ये? तो मैं कहता हूं जी बिल्कुल सेम वही है, बस इसका एक सेकंड पार्ट है वो एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब वो तो टॉपिक ही अलग हो जाता है।
बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाला है। अब करेंगे वेटेड एवरेज से। अब जो करने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज। कहानी वही, सवाल वही। अब वेटेड एवरेज में देखना क्या होगा, लीफो और फीफो से बिल्कुल अलग होता है हमारा वेटेड एवरेज। जैन वन में हमने रिसीव किए 1000 यूनिट, फर्स्ट जैन को हमने रिसीव किए 1000 यूनिट, और बैलेंस में भी बचा 1000 यूनिट। बैलेंस में भी आएगा, फिर से हमने जैन 10 में खरीदा हमने 260 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, 10 जैन को फिर से रिसीव 260 यूनिट, 1 रुपीज 05, 273। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फर्क यहां आएगा। अब हमें एवरेज करना है, यानी ना तो लीफो चलेगा ना तो फीफो चलेगा। लीफो फीफो में हम हर स्टॉक को अलग अलग इसलिए लिख के चलते थे क्योंकि हमें प्राइसिंग ये देखना था कि पुराने वाले को पहले बेचना है या फिर नए वाले को बाद में बेचना है, ऐसे करके चलते थे। अब यहां पे ऐसा नहीं है भैया, जो एवरेज प्राइस आएगा बेच दो। तो सबसे पहले जो अब यूनिट होने वाला है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1000 और 260, तो पहली बात तो 1260, यानी यहाँ पे ये नहीं पता चलने वाला कि कौन सा यूनिट कितने रुपए में खरीदा गया था। ऑल्दो आप यहां से तो पता कर सकते हो लेकिन इस बैलेंस से नहीं पता चलेगा। लेकिन पिछले वाले सवाल में देखो तो बैलेंस से एक और ईच एंड एवरीथिंग पता चलता था, ये इतने का खरीदा गया, ये इतने का खरीदा गया, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं पता चलेगा, मिक्स हो गया। और अब क्या होगा, पहले हमारे 273 थे, अब हमारे 1000 हैं, तो पहले 273 और 1000, तो ये हो जाएगा 1273। यानी जिस तरीके से यूनिट जुड़ा है वैसे ही प्राइस भी जुड़ जाएगा, पहली बात। यानी यूनिट को भी जोड़ेंगे और प्राइस को भी जोड़ेंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे सर इन दोनों के बीच में। डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, यानी 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से, 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से, तो एक यूनिक रेट हमें पता चलेगा सर। और रेट क्या पता चला हमें, 1.01, ये रेट आया हमारे पास निकल के। पहले देखो, अब ये रेट ना इशू में आपको रिसीव में कहीं भी नहीं मिलेगा, ना तो 1 है और यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 1.0। मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा सेम आ जाएगा। हाँ मैं कहूंगा अगर आप शायद मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ का फर्क आ सकता है, रीजन बीइंग के फ्रिक्शन वाले पॉइंट को हमने छोड़ दिया, तो उसकी टेंशन मत लेना सर, गुणा करने पे तो आ ही नहीं रहा, 2, 4, 5 रुपए का फर्क रहेगा, वो ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डिफरेंस आपको दिख गया, फिर से हमने क्या खरीदा, अरे इशू कर दिया, फिर से हमने क्या करा, इशू कर दिया। जैसे ही हमने इशू किया, अब देखिएगा इशू में कब करा सर इशू हमने, 20 तारीख को, 20 जैन को। सर इशू कितने यूनिट किए हैं, सर यूनिट मैंने 700, अब देखो टेंशन ही नहीं है सर, 700 लिखा और रेट 1.01 लिख, ध्यान दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है, 760, 707, 707। पहले यहां देखिए, लीफो और फीफो इंपैक्टेड होता है इशू वाले कॉलम में, एवरेज इंपैक्टेड होता है बैलेंस वाले कॉलम में। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको।
सर अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? बैलेंस में 700 में से निकल गया तो सीधा क्या लिखोगे? 560, कितने वाला? 1.01। अब मैं ये नहीं कहूंगा इसको मल्टीप्लाई करो, फिर मिसमैच हो जाएगा। आप इन दोनों को डिफरेंस लो, कितने आएंगे? 1273 माइनस 707, 566 का आएगा। ऑल दो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने के बाद दे बताना, 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई एक से पांच, दस दस रुपए तक का डिफरेंस इसमें वैलिड है, आएगा इसमें डिफरेंस आपका कई बार। चलिए अगले पॉइंट पे चले। जैन 21 रिसीव 400 यूनिट। अब फिर से रिसीव कर लिया 21 जैन को, जब आपने रिसीव कर लिया 400 यूनिट, चार सौ यूनिट कितने वाला? 0.15। यानी अब देखो बदलाव यहां फिर बदल जाएगा सर, 560 और 400 सीधा आएगा आपका 900। अब रेट को भी जोड़ेंगे हम, 566 और 460 कितने होंगे? 566 और 460 प्लस करके बताइए, 1026। अब नया रेट आपको बताना है, कैसे बनाओगे रेट? इस 1026 को डिवाइड कर दोगे 960 से, कित क्या आ रहा है रेट हमारा? 1.06। सिर्फ 7 ले सकते हो, मैंने कहा पॉइंट का फर्क चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बाईस, बाईस में रिसीव, अगेन रिसीव्ड हुए कितने? कितने रुपए? कितने रुपए का? अब बैलेंस बताइए। मैं बैलेंस नहीं बताऊंगा आपको, बैलेंस का रेट मैं सभी से पूछना चाहूंगा, जितने बच्चे भी लाइव में हैं, जितने भी बच्चे लाइव में हैं सभी बताएंगे बैलेंस का रेट क्या है, और ऑफलाइन जो बैठे हैं वो भी बताएं बैलेंस का रेट क्या है। वन पॉइंट, एक आंसर आया 1.22, 1.11, देखते हैं और बच्चों का क्या रहता है। 1.11 भाई, 1.1 तो लाइन लग गई बच्चों की। 1.11 सभी बच्चे 1.11 वाले हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसे निकलेगा सर। 960 और 300, 1260, 375 और 1026, 1401 डिवाइड करेंगे तो सर ये सवाल बिल्कुल, जिसने भी 1.11 बोला उसका आंसर, जिसका आया भी ठीक है उनका आंसर। चलिए इसको ऊपर कर दे, अरे ये लीजिए, देखिए यहां देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। सिर्फ सवाल ही तो देखना है, इसे ऊपर लेयर पे ले आए, टॉप लेयर पे बात खत्म। यानी मुझे ना कई बार ना ये वाला आसान भी लगता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर छीन लिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी इस वाले में, ठीक है ना। पहले वाला लीफो फीफो तो चलेगा, लेकिन इस वाले में कैलकुलेटर ले लेना तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हर बार हमें रेट निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, वो दिक्कत रहेगा। चलिए सर हम आ गए जैन 22 के बाद, जैन 23 की बात करते हैं। जैन 23 में इशू किए 600 यूनिट, ये बड़ा मजा आता है इसमें इशू करने में। इशू किए बड़ा मजा, कितने किए कुछ सोचना ही नहीं है, 620 लास्ट वाला रेट उठा के फटाफट, कितने आएंगे? 688 लिख देते, 0.2 हटाते हैं। अब बैलेंस निकालने में इसमें थोड़ा सा है, 1260 में से 620 माइनस करेंगे, 1260 में से 620, क्योंकि ये भी क्वांटिटी है,
640, 1.11, इसका डिफरेंस लेके कर लेंगे, ये वाला और 1401 के बीच का डिफरेंस 712। देखो इसका नाम जब आता है ना, 13, चलो 12 कर दिया, 13 आएगा। चलो फिर से इशू, सर फिर से इशू, इशू के अंदर तो मजा ही कुछ और है। अब कितने इशू करे, 240, 1.11 बताइए, 266 बचे, कितने माइनस कर दो, 444 बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, मैंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप बताइए, 47, 3 रुपए का फर्क आ रहा है। सर अगला 25 तारीख क्या करा है, रिसीव, रिसीव वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 501.1, 550, बैलेंस को निकालते हैं सर, बैलेंस निकालते हैं, 400 और 500 तो 900 और 550 और 447 कितने होंगे, 997 रेट आपको निकालना है। बच्चों ने निकाल भी दिए क्या, कितने आ रहे हैं रेट, 1.10। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, जैन 25 के, 25 कर लिया ना, हाँ जैन 26। अब ये कम जगह भी कम ले रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, है ना, वहां पे छोटा भी करना पड़ा, यहाँ तो जगह बच गई उल्टा। तो इशू में कितने कर रहे हो सर, 380, ये रहा 380, 1.10 कितने होंगे, 418। अब माइनस कर दो 380, कितने बचेंगे, 900 में से 380 गए तो 520, 1.10 कितने बने, 579। अगेन आपसे इसमें पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए तो 579। यूनिट में बदलाव नहीं होगा, यूनिट देखो आप तीनों का चेक करते हैं, पहले वाले यूनिट में कितना आ रहा था, 575 आ रहा था रुपए, दूसरे वाले में जी आया हमारा 532 और तीसरे वाले में, तो तीनों में रेट क्या हो जाता है क्लोजिंग का, अलग हो जाता है, तीनों में आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग हो जाएगा, तीनों के अंदर आपका प्रॉफिट वगैरह कुछ निकालने को बोला जाए तो वो सब अलग हो जाएगा। अब ये बताना, ये हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पीरियोडिक या परपेचुअल, परपेचुअल सिस्टम, ये वाला जो कर रहे हैं ना ये परपेचुअल सिस्टम है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे काम चल रहा है, देखो ना 21, 22, 23। पीरियोडिक में तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ऐसे एंट्री होता है पीरियोडिक में, तो आपका जितने भी हैं ये भी आपका परपेचुअल है, ये भी आपका परपेचुअल, पीरियोडिक भी अभी करके दिखाऊंगा मैं, उतना चलेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है, बाकी फ्रीक्वेंटली है। पीरियोडिक में तो एक दिन बांध देगा, 1, 7, 14 ऐसे, तो वो पीरियोडिक हो गया, मतलब फिक्स इंटरवल रहेगा, यहाँ पे इंटरवल ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कई बार मान लेते हैं कोई छुट्टी उट्टी हो गई होगी तो इसलिए ऐसे कर दिया इसने, अदरवाइज आपका ये परपेचुअल ही रहेगा। चलिए यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट,
सभी बच्चों का क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं, बताओ। देखिए कहां तक चलते हैं। आज चैप्टर खत्म नहीं। सर डाउट है रिसीव्ड में, आप कमेंट में लिख दो क्या डाउट है एक बार। अभय प्रताप सिंह, जो वर्चुअल क्लास में वो भी पानी पी ले। वैसे आज दिल्ली में पानी आ नहीं रहा। जीरो अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी उसमें पूछ लेना आप, या लास्ट में वॉइस एसएमएस में पूछ लेना क्या डाउट रहा। बस 1 घंटे और इंतजार करना है बस। चलिए नेक्स्ट पार्ट मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, आप भी फॉर्मेट बनाइएगा। बड़ा छोटा सा सवाल है इसमें, लास्ट पॉइंट जो है ना 10 अप्रैल को कहता है नोटिस द शॉर्टेज 10 यूनिट, तो यहां पे शॉर्टेज वाला पार्ट आ गया।
अभी तक पिछला क्वेश्चन जो था सिंपल था, अब शॉर्टेज को कैसे डील करना है वो देख लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन शॉर्टेज वाले में एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्टेज किस डेट पे हुआ वो भी आपको कंसिडर करके चलना है। तो चलिए शॉर्टेज को देखेंगे, मैं एक फॉर्मेट बना लूं, इसके बाद पीरियोडिक वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं कौन सा कौन सा। वैसे हालांकि इसने बोला हुआ है यहाँ पे लीफो, वही फॉलो करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि इस सवाल को करने का मेन पॉइंट क्या है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टोर लेजर। अब देखो यहाँ स्टोर लेजर बोला, और मैंने कहा था ये हम जो बनाते हैं वो क्या होता है हमारा, स्टोर लेजर। यूजिंग द लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो मेथड, अप्रैल में कहता है स्टॉक इन हैंड, मैंने बताया था ना ओपनिंग स्टॉक होगा आपका तो कैसे ट्रीट करना है। अप्रैल में कहता है स्टॉक इन हैंड इतने पर यूनिट, अप्रैल 6 को हमने इशू भी किया है, तो डेट एक ही दो दे रखा है, पहले हमारे पास 500 थे और 6 अप्रैल को हमने इशू भी कर दिया है। फिर से कहता है कि सर 3 अप्रैल को हमने फिर इशू किया 200 और 6 अप्रैल को रिटर्न टू स्टोर हो गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम सीखने वाले, रिटर्न टू स्टोर। अब रिटर्न टू स्टोर का मतलब क्या है कि गोडाउन के पास हमारे पास क्या हुआ, रिटर्न होके आ गया। तो रिटर्न हुआ जब हमने इशू किया होगा वही रिटर्न होएगा, तो जिस रेट पे इशू किया है उसी रेट पे हम रिटर्न ले लेंगे हम इसको। इसके बाद कहता है परचेज करा हमने फिर 22 रुपये, 4 अप्रैल को किया हमने इशू 4 अप्रैल को। कहता है कि परचेज 150 यूनिट 22 अप्रैल को और इशू कर दिया 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को 100 यूनिट इशू किए थे और 7 अप्रैल को फिर से हमने 100 यूनिट इशू कर दिए हैं। फिर
फिर कहता है परचेज किया और लास्ट में शॉर्टेज है, तो थोड़े बहुत अलग एंट्री है इसलिए मैंने इस सवाल को चूज किया। तो पहली एंट्री तो हम कर लेते हैं, किस किस तारीख का, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का, 1/4 का। तो यहां पे क्या है, बैलेंस, तो सर इस कॉलम में तो आने वाला है नहीं, सीधा बैलेंस में आ जाएंगे 500 यूनिट, और कितने वाला, कितने हो गए, 1,000। मेथड चल रहा है, मैं सिर्फ मेथड लिख देता हूं, कितने, 10,000, 1 0 और लगाना, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसी में ही कहता है 6 अप्रैल को 300 यूनिट इशू कर दिए। तो सर यहाँ लीफो फीफो तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास एक ही स्टॉक है, तो हमने 6 तारीख को इशू कर दिए, 6 अप्रैल को, 6/4 को, और हमने इशू किया कितने यूनिट किए हमने इशू, 300। तो लीजिए 300 यूनिट इशू, तो 20 वाले ही होंगे, तो बचे कितने, दो। पहली एंट्री में बताइए किसी को डाउट, पहली एंट्री में किसी को डाउट, पहली एंट्री में किसी को डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते। 3 अप्रैल को फिर से इशू कर दिए 200 यूनिट, यानी ये स्टॉक खत्म ही कर रहा है, कितने यूनिट, 220, तो 4,000 के चले गए। और आगे क्या कहते हैं, तो हमारे पास बैलेंस जीरो, क्योंकि जो छे हमारे पास 500 थे धीरे धीरे करके हमने बेच ही दिए। यहां पे आपको डेट भी ध्यान रखना है, अब यहां पे किस अप्रैल को हमने इशू किए, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल को 500 था, मैं जो बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन इस तरीके का होगा, 1 अप्रैल को 500 था, अप्रैल इशू कब किए, फिर से 3 अप्रैल को फिर इशू किए हमने, ठीक है, 3 अप्रैल को फिर हमने इशू किए, और फिर परचेज भी हमने कब किए, 22, इशू इस परचेज को हमने इशू कब किए, हमने 4 अप्रैल को, यानी यहां पे डेट कुछ मिक्स है, तो यानी आपने पहले एक के बाद क्या डेट आएगा, पहले आप परचेज जो डेट आएगा उस डेट के हिसाब से चलना है, एक के बाद देखो परचेज कब किया आपने, तो एग्जामिनर ना इस तरीके के सवाल में कंफ्यूजन यहां कर सकता है, तो आपको डेट के हिसाब से चलना है, ना कि जो टाइम से दे रखा है वो करना है, समझे बात आप। तो अब देखा जाए तो हमारा जो ये वाला इशू है ना, ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि 1 तारीख को बाद 6 तारीख, 6 तारीख के बाद कौन सा इशू आया हमारा, 3 तारीख वाला है, तो यहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है। मैं इसको अब क्या करने वाला हूं, बड़ी सीधी सी बात है, अब डेट के हिसाब से चलेंगे, पहले मैं क्यों मिटा रहा हूं इसे समझ में आया आपको, क्योंकि यहां पे हमें चलना है डेट के हिसाब से, चलिए सर। पहले 1 के बाद 3 तारीख को हमने क्या कर लिया है, परचेज, लेकिन ध्यान दे तो 3 तारीख को हमने क्या करा हुआ है, इशू। अब आपकी इच्छा है कि कौन से करना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं इशू, परचेज करना चाहते हैं परचेज, तो मैं पहले इशू करना चाहूंगा, और ये मर्जी है, नोट दोगे आप, तो मैं इशू करना चाहूंगा कब, 3 तारीख को, कितने इशू किए हैं 3 तारीख वाले, इसके डेट को मैं सर्कल कर लेता हूं, याद रहेगा। अब 3 तारीख वाला इशू जो है 200, चार हजार, अब कितने बचे, 6,000, ठीक है। अब 3 को ही परचेज कर लिया, यानी रिसीव, कितने यूनिट रिसीव किए, कितने रुपए वाला, कितने आ गए बताइए,
3300, क्योंकि हमारा मेथड लीफो या फीफो, इसमें लीफो कह रहा है तो हमें सारे स्टॉक को अलग अलग रखना पड़ेगा, यानी 300 भी हमारे पास और 150 भी है। 300 हमारे पास रेट है 20, और ये है ये 6000 और ये 3300। अब चार को क्या कहता है ये, फिर से चार को इसने, आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि हमारा चार को इशू किए आपने 100, तो अब 3 के बाद तो कौन सी तारीख आएगी आपकी, 4 कर देते हैं जी, 4 को हम इशू, सर 4 को कितने यूनिट इशू किए हमने, 100 यूनिट, ये तो ब्लैंक हो जाएगा 100। अब मेथड देखिए कौन सा है लीफो। लीफो में क्या होता है सर, नए वाला सबसे पहले बेचिए, तो हम किस में से निकालेंगे, 150 वाले में से, यानी 22 वाला चला गया 2200 का। अब हमारे पास जो बचा वो 300 वाला बचा 20 के हिसाब से, और 50 वाला बचा 22 के हिसाब से, तो ये तो हो गया हमारा 6000 और ये हो गया 1100 रुपये। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए सर, चार के बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है। चार के बाद क्या आता है, 5। क्या 5 तारीख को कोई इशू किया, नहीं किया। 5 तारीख को क्या कर रखा है, परचेज, तो 5 तारीख को हम परचेज कर लेंगे यानी रिसीव। चार को एक और है, कहाँ है चार को, अच्छा नहीं, ये आपका 150 का कहता है कि परचेज किया था आपने 3 अप्रैल 22 का और इशूड ऑन 4 अप्रैल, और ये रहा 4 अप्रैल को जो इशू किया है ना इसने, इसकी बात चल रही है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 4 को इशू भी फिर से करें इसने। पहले इशूड का डेट आ गया सर, कितने इशू किए हैं, 100 यूनिट, ये देखिए। चार 100 ऊपर कर दिए मैंने इशू 7 को, नहीं, कहता है जो हमने इशू किए हैं ना, देखो ये आपको ना क्लियरिटी दे रहा है कि जो इशू किए हैं ना हमने 4 तारीख को, वो इसी में से इशू किए हैं, ये कहना चाह रहा है ये आपको, थोड़ा सा क्लियरिटी दे रहा है ये कि हमने 150 करें, वैसे भी देखो हमने जो 100 यूनिट किए किस में से करें, इसी में से तो किए हैं, वही बता रहा है भैया ये लीफो मेथड है, आपका हेल्प कर रहा है वो कि आपके जो इशू 4 तारीख को होंगे वो इसी में से ही होंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको? तो सर ये डबल लिखवा दिया आपने, इसे मिटा दे। 4 के बाद क्या आएगा हमारा, 5, 5 4 को हमने क्या कर रखा है, रिसीव। रिसीव्ड कितने किए हमने और कितने वाले, कितने हो गए, अब हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टॉक 3 तरीके के हो गए, 300, 50, 200, ये 20 वाले, 22 वाले, 25 वाले, 5000, 1100, 6000। मैं इसको अब ऊपर कर देता हूं अगेन, क्योंकि हमें जो स्टॉक चाहिए यहीं का चाहिए। चलिए अब 4 के बाद, 5 के बाद हम आएंगे 6। अब 6 को हमने इशू भी किया है, 6 को हमारा रिटर्न टू स्टोर भी 10 यूनिट हुआ है, ठीक है ना। अब इसका कहने का मतलब है भैया, जो 200 यूनिट हमने 3 तारीख को जो इशू किए थे ना, वो वाले रिटर्न आए हैं, समझ रहे हो, जो मैंने 200 इशू किए थे 3 तारीख को, यानी इस वाले से रिटर्न आए, तो रेट वहां से मैच करेंगे कि जो रिटर्न आया वो रेट वाला हम रख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 तारीख में क्या हो रहा है। 6 तारीख में पहले इशू कह रहा है 300 रुपए, तो इशू कर दिए हमने 300 रुपए, मैंने कह दिया इशू करें मैंने कितने यूनिट, 300 यूनिट इशू किए हैं सर, तो ये आ जाता है हमारा 300 यूनिट, और हमारा लीफो है तो कैसे जाएगा ये सर, एक तो 200 चला जाएगा,
एक 50 चला जाएगा, एक 50 ऐसे ही जाएगा ना, ठीक है। तो इस 200 वाले का 25 वाला गया, ये 22 वाला गया, ये 20 वाला गया, तो ये कितने हो गए सर 5,000, और ये कितने हो गए सर 1,100, और ये कितने हो गए 1,000। किसने? अब ये कहता कहां, आप कौन सा देख रहे हो 300? नहीं, इसने ये नहीं कहा, कहता है स्टॉक इशू किया 500 एट 20 पर सिक्स पर यूनिट, अप्रैल 6 को इशू कर दिए 300। अब हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, तो हमें तो लिफो के हिसाब से चलना होगा। अगर क्वेश्चन में ये थोड़ी कहेगा कि आप पहले, अगर मैं मान लो ओपनिंग वाले में से इशू कर देता हूं 300, ये वाला 300 अगर मैं इशू कर देता हूं, तो मेथड ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात आप? तो हमें तो अपने मेथड के हिसाब से चलना है। उसने उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसलिए कि रिटर्न वगैरह आया होगा, शॉर्टेज वगैरह होगा तो देखेंगे। चलिए सर, अब बचा कौन सा है हमारा, इस 300 में से बचा हुआ है सिर्फ हमारा 250, और 20 वाला यानी 5,000। 6 तारीख को एक और एंट्री रिफंड, कहता है 6 तारीख को क्या कहता है, रिटर्न हुआ। कौन से वाले कनेक्टेड है, ये 200 वाले से कनेक्टेड है जो कि हमारा रिटर्न हुआ। तो रिटर्न जब होगा ना, तो हमारे पास सामान वापसी आएगा, तो रिटर्न को हमेशा एज एंड रिसीव के तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि जब वापस आएगा तो हमारे गोडाउन में स्टॉक बढ़ जाएगा, तो रिसीव ही हो रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा रिटर्न कितने यूनिट 10 यूनिट। अब आपको चेक करना है 3 तारीख वाला, 3 तारीख वाला रेट से क्या आया था हमारा, 3 तारीख वाला रेट क्या इशू किया होगा हमने, वो देखना पड़ेगा। तो 3 तारीख वाला रेट हमने क्या इशू किया है, 20 रुपए से किया है, ठीक है ना। तो 20 वाला देखेंगे हम, तो 20 रुपए के हिसाब से वापसी आ गया, यानी सर 2,000 का, 2,000 का हो गया ना। अब चेक कर लेते हैं सर, ये भी 20 वाला है, तो अब सीधा मर्ज करके भी लिख सकते हो आप, यानी 260 और 20, और ये आ जाएगा हमारा 7,000। नहीं, ये 200 आएगा, ये 200 आएगा, ये आएगा 200। कितने आगे बताओ, 5,200। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में बैलेंस था 520 रुपए वाला, उसके ब्रैकेट में कहता है कि भैया मैंने 6 अप्रैल को 300 इशू किया, ये कभी भी नहीं कह रहा कि ये ओपनिंग में से किया, बस बोला 6 को इशू किया है। तो भैया पहले वाले बैलेंस को लिख लिया, उसके बाद हमने आगे चल के देखा तो पहले हमारा 3 तारीख को एक और इशू हो रहा है, 6 वाली एंट्री पहले नहीं करेंगे, पहले 3 तारीख को जो इशू हो रहा है वो करेंगे, और 3 तारीख को परचेज। हाँ, ये बात मैटर करता है कि आप पहले कौन से 3 तारीख का करना चाहते हैं, तो मुझे जो सबसे पहले दिखा मैंने वो कर लिया, ठीक है ना। 3 तारीख को मान लेते हैं, 3 तारीख सुबह का एंट्री था, एक 3 तारीख शाम की एंट्री था, तो पहले मैं सुबह वाला करूंगा, फिर कौन सा करूंगा, शाम वाला। तो 3 तारीख को मैंने पहले इशू कर दिया फटाफट, उसी में से कहता है 6 तारीख को इसमें से रिटर्न आया है 10 यूनिट। तो जब 6 तारीख की एंट्री करेंगे, जो कि मैंने यहां पे कर दिया, 10 यूनिट रिटर्न आया, उसी रेट से कर दिया जिस रेट से इशू था। 3 तारीख को परचेज किया, और बोलता है जो परचेज किया इशू किया 4 अप्रैल को, तो सर 4 अप्रैल को ही होना था इशू, तो वही इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता हमारी, उल्टा ये हेल्प कर रहा था। आगे 3 तारीख के बाद फिर 4 तारीख को इशू करता है, और फिर कहता है 100 यूनिट, और 7 को फिर और 100 यूनिट इशू करता है। तो पहले तो मैंने क्या करा, 4 तारीख को इशू कर दिया, उसके बाद तो पहले 5 तारीख आएगा, 5 तारीख को रिसीव किया, फिर 6 तारीख आएगा, 6 तारीख को मैंने क्या किया, इशू किया, फिर 6 तारीख का मैंने रिटर्न लिया। अब नंबर किस तारीख का आने वाला है हमारा, 7 को। अब 7 को क्या हुआ वो देखेंगे हम, 7 4, तो 7 तारीख को कहता है इसने क्या करा है, इशू कर दिया है। सर कितने यूनिट इशू किए इसने, 100 यूनिट, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसी में से निकलेगा, तो 2,000। तो यहां कितने बच गए हमारे, 160, कितने रुपए, 20 रुपए, तो कितने, 3,200 रुपए। अब इसके बाद क्या कहता है,
हमने परचेज के बाद इशू कहता है, इशू हमने 8 तारीख को और करे थे इशू 50 रुपए के हिसाब से, यानी सर इसके बाद 50 यूनिट, 8/4 को फिर से हमने इशू कर दिए, कितने 50 यूनिट, तो कौन सा होगा 20 और दैट इज 1000। और सर यहां पे आ जाएगा हमारा 20 कितने 50 चले गए, तो 120 2200, इसको थोड़ा सा चलिए, इसके बाद क्या हुआ शॉर्टेज, कब आया शॉर्टेज सर 10 तारीख को एक शॉर्टेज आया, तो शॉर्टेज को एज अ इशू ट्रीट करना है, कब ट्रीट क्या करना है एज अ इशू, कितने यूनिट का 10 यूनिट का शॉर्टेज, यही रेट ले लेंगे 20 रुपए, और ये आगे हमारे कितना 200 रुपए। अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा 90, और ये 20 वाला यानी 1800। तो अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक पूछ ले तो वो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा 1800। तो सर इस सवाल के अंदर हमने क्या देखा, इस सवाल के अंदर हमने ये देखा कि सर अगर शॉर्टेज होगा तो वो नॉर्मल इशू के तरीके से ट्रीट करना है, रिटर्न अगर आता है तो उसको रिसीव के तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन रिटर्न वाले केस के अंदर क्या ये 100 आएगा, अच्छा 100 लिख देते हैं लीजिए, यानी सर अगर रिटर्न हुआ तो रिसीव के जैसा, शॉर्टेज हुआ तो इशू के जैसे। शॉर्टेज के अंदर आपको रेट का ख्याल नहीं रखना कि किस रेट का जाएगा, लेकिन रिटर्न वाले में रेट का ख्याल रखना है कि कौन सी तारीख वाला रिटर्न आया, एग्जामिनर बताएगा। मान लो एग्जामिनर नहीं बताता कौन से तारीख का रिटर्न है, बस बोल दे रिटर्न 200 यूनिट हो गया है, अब ये बता ही नहीं रहा किसमें से, तो जो मेथड लग रहा है एज पर मेथड आप उसको क्या करोगे रिसीव के अंदर कंसीडर कर लोगे। समझ में आई बात आपको 2000, बताइए कोई डाउट इसमें 6 तारीख में 260 कैसे आया, 6 तारीख में 260, अच्छा ये देखिए आप, आपके पास टोटल कितने थे 200, ये भी बिक गए 50, ये भी बिक गए 300, 260 का है 250 है, अच्छा रिफंड आ गया ना, रिसीव हो गया रिटर्न आया, तो पहले 250 था 10 ये वाले जोड़ दिए 260, आप चाहो तो अलग अलग कर दो क्योंकि इसका रेट दोनों का सेम ही था ना, इसलिए मैंने मर्ज करके लिख दिया उसको। रुकिए 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 सर, रिटर्न ऑफ वाला फिर से बता दो, रिटर्न ऑफ वाला कौन सा, रिटर्न ऑफ नहीं है वो, रिटर्न आया है मेरे पास, रिटर्न का मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, ये फैक्ट्री है और ये आपका गोडाउन है और ये आपका शोरूम है, तो रिटर्न कहां से आया होगा, यहां से रिटर्न आया होगा ना आपके पास, तो जिस रेट पे आपने इसको भेजा होगा उस रेट को चेक करके वापसी ले लो, जब आप इसको दे रहे थे तो इशू था, जब आपके पास आ रहा है तो आप क्या कहोगे, यानी आपके पास फैक्ट्री से आए चाहे रिटर्न आए रिसीव कॉलम में ही आएगा, हमारे पास दो ही कॉलम है रिसीव और इशू का, कोई रिटर्न वाला कॉलम नहीं बनता हमारा। आपके नोट देना पड़ेगा कि हम कंसीडर कर रहे हैं, मुझे पहले डेट वो वाला मिला तो इसलिए मैंने वो करा, सेम डेट वाले में ये आपको ट्रीटमेंट जैसे भी कर लो, मैं चाह रहा था कि पहले मैं परचेज, आपको लगता है परचेज करिए नोट डाल दीजिए। हाँ सर, शॉर्टेज के केस में 120 इशू नहीं होंगे क्या, अगर 10 की शॉर्टेज है तो, नहीं नहीं शॉर्टेज वो आप वैसे मत लो कि शॉर्टेज पड़ गया, बच्चे ने क्या करा इसमें से 10 था और 10 का शॉर्टेज तो 120 नहीं, जितना शॉर्टेज बोला जाएगा उसी को इशू किया जाएगा। अभी पीरियोडिक वाला एक रहता छोटा सा टॉपिक,
एक ग्रॉस प्रॉफिट का रहता है, एक पीरियोडिक का रहता है। चले पीरियोडिक वाले टॉपिक पे। लीजिए मैं इसे नीचे कर देता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा मैसअप हो गया ये क्वेश्चन। अगला मेथड है हमारा पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले सारा स्टॉक को इकट्ठा कर लेते हैं, पहले हमारे पास रिसीव होगा, फिर उसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इशू करते हैं। परपेचुअल में सेम डेट पे होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बस हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन में, अ कंपनी आपका स्टेट 1 जैन 2013 को स्टार्टेड ऑन परचेज रॉ मटेरियल 2013 में, इसने जनवरी में खरीदा, फिर फेब में खरीदा, देख रहे हो टाइम गैप देखो आप, इसके बाद फिर अप्रैल में खरीदता है ये, इसके बाद फिर जुलाई में खरीदता है, और ये फिर सितंबर में भी खरीदता है, फिर ये नवंबर में भी खरीदता है। अब वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट 31 दिसंबर, जब ये 31 दिसंबर को हिसाब करने बैठा तो इसने क्या पाया, द कंपनी हैड 1300 kg रॉ मटेरियल इन इट्स गोडाउन, यानी सर इसने 1300 इसके गोडाउन में है, तो मतलब बेचा कितना है कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द जो भी ईयर है, एज पर आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, एज पर वेटेड एवरेज। तो पहले मैं यहाँ पे फीफो का कर लेता हूं, सबसे पहले फ्यू, बड़ा आसान है ये। अरे फीफो, सबसे पहले जिस जिस डेट पे खरीदा ना वो डेट लिख लेंगे, इसका कॉलम बना देता हूं ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में, वैसे कॉलम ना बनाओ तब भी चलेगा। ये डेट लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्वांटिटी, यहां पे लिख देते हैं रेट, यहां पे लिख देते हैं टोटल, ठीक है, थोड़ा और गैप दे देते हैं। चलिए सर चलिए, ये रहा हमारा डेट, क्वांटिटी, रेट और ये टोटल। सबसे पहले इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से सर, इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से, जनवरी से। 2800 किलो सामान खरीदे हैं। अच्छा 2 जनवरी, 2 जैन,
800 किलो, किलो और यूनिट, यूनिट का मेजरमेंट तो सेम ही रहने वाला है, कितने रुपए के हिसाब से, तो कितने का सामान हो गया? 49। इसके बाद सारी खरीदारी कर रहा है, बेचने का तो बता ही नहीं किस दिन बेचा, फिर कब करा? फेब में। 26। कितने रुपए किलो? 50। 68,000। अच्छा, 400 भी है। इसके बाद कब खरीदा? 13 अप्रैल। कितने किलो? 59। 1,00,000। इसके बाद 10 जुलाई, 10 जुलाई कितने? 3,000। रेट 168। इसके बाद सितंबर 18 कितने? 1,500। रेट 90,000। इसके बाद 29 नवंबर 1,000। रेट 65, 65,000। चलिए, इसके बाद खत्म, बस इतनी खरीदारी। अच्छा, चलिए सर टोटल कर लेते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, एक ही सवाल में ना सभी के आंसर दे सकते हैं। पहले क्वांटिटी टोटल कर लीजिए कितने हैं, टोटल क्वांटिटी देख लीजिए कितने हैं। 10,000 किलो सामान खरीदे, टोटल अमाउंट कर लीजिए, टोटल अमाउंट कर लीजिए। कितने? 5,05,000। ठीक है, ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब हम पहले फीफो वाला आंसर देंगे, फिर लीफो वाला, और फिर वेटेज, फटाफट से हो जाएगा ये, ज्यादा टाइम नहीं लगना। अब लेकिन सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ कि भैया हमने सेल्स कितना किया। तो परचेज आपको पता है सर कि परचेज आपने 1,00,000 किलो खरीदे, और आप बोल रहे सर क्लोजिंग में हमारे पास है, कितना है क्लोजिंग में? 1,300 किलो। तो बाकी क्या हुए? क्या ये 10,000? 1,00,000 गलत बताया। अच्छा हाँ, 10,000, सॉरी, 10,000 में से 1,300 क्लोजिंग है, तो बचे कितने? ये क्या है हमारा? सोल्ड। पहले तो आप ये देखिए, सोल्ड मैंने कैसे निकाला, समझ में आना चाहिए। सोल्ड कैसे निकला है देख लीजिए आप। सीधी बात है भाई, 10,000 किलो थे, 1,300 बच गए, तो बाकी बेच दिए होंगे, है ना। अब जो आपने 87 बेचा है, अगर लीफो के हिसाब से बेचा होगा तो हमारा लीफो में सबसे पहले ये वाला बिकेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चलेगा ना। अगर फीफो होगा तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर वेटेज होगा तो एक रेट निकालेंगे और उसी से सबको सोल्ड आउट कर देंगे, और जो बचेगा हमारा वो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। और हर क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक ही बार मेहनत है इसमें, बाकी तो है नहीं। तो चलिए फटाफट से अब हम पहले कर लेते हैं सर, पहले कर लेते हैं फीफो। तो फीफो में हम सोल्ड करने जा रहे हैं, यानी इशू करने जा रहे हैं, यहां तारीख का कोई दिक्कत नहीं है। तो फीफो में सबसे पहले 1,000 यूनिट बेचेंगे, टोटल 8,700 बेचने हैं ना, पहले 1,000 बेचेंगे 65 के भाव से, फिर 1,500 बेचेंगे 60 के भाव से, फिर 3,000 बेचेंगे। हाँ अच्छा, पहले फीफो, ओके 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 ओके, पहले पहले लीफो कर दें,
नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए पहले आ जाते हैं फटाफट, 862, 1257, 2559, 2500 के बाद 3056। अब 1500 तो नहीं बिक सकता, क्योंकि यहां तक का आप हिसाब किताब लगाओगे तो कहीं ना कहीं हमें 8700 तो बेचने हैं, तो यहां से यहां तक कितने हो गए हमारे पीछे 7500। 75 में और कितना बेचें जो कि हमारा, तो अब इसमें से ना 1500 नहीं बिकने वाले, सिर्फ 1200 बिकेंगे और वो भी 60 वाले। टोटल रेट की बात करें तो हमने तो पहले निकाल ही लिया, ये काम आसान हो गया ना। बारह सौ सर ये आ गया सेल्स का वैल्यू, इशू का वैल्यू कह लो, कितना आ गया वो देख लो। अब क्लोजिंग स्टॉक सर, क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा बताइए क्या बचेगा क्लोजिंग स्टॉक सर। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा, इसमें से 1200 ही गए ना, तो इसमें से कुछ बचे होंगे 300 और ये पूरा, तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा हमारा 300 इंटू में 60। अरे तो अलग अलग रेट है ना, 1000 इंटू, वो तो शुरू में ही पता चल गया 1300, ये रहा तो ये आ गया 1800 या 18000। इसका टोटल बताइए कितने, 337 और इसमें 65 और 18, 80। देखिए सवाल क्या पूछता है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एट द एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू, दो चीजें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है और क्लोजिंग स्टॉक, दोनों बातें हमने बता दी इनको। चलिए अगला, चलिए अगले पॉइंट पे अब करते हैं, जो आप उम्मीद और आप सोच रहे थे सर ये वाला कर दो, वही करते हैं जो आप सोच रहे थे। कौन सा, लीफो, लीफो में आप सबसे पहले कौन सा बिकेगा हमारा, ये 1000 इंटू में 65, फिर ये 1500 इंटू में 60, फिर ये 3000 इंटू में 56, फिर ये 2500 इंटू में 56, नहीं 59। इसके बाद अब आ जाते हैं, ये 1200 है, ये पूरा 1200 तो नहीं कर सकते क्योंकि 1300 का स्टॉक है हमारे पास, तो इसमें से 700 कितने जाएंगे, 700। आप बाकी इनको ना प्लस करके हिसाब लगा सकते हो, तो 700 कितने वाले गए, 57। सब सबका रेट ले लेते हैं, 65000, 15 इंटू 6 90000, 168, 147 और 57 को करो भाई, ये गुणा तो मुश्किल है। हाँ 39 टोटल, अब 1300 बचेंगे तो इसमें से बचेगा हमारा कितना, 500, ये क्लोजिंग स्टॉक है। यहां क्लोजिंग स्टॉक सर 500 इंटू में 57 और 800 इंटू में 62, ये आ गया 862 तो पता है 49 और ये 28, टोटल कर दो सबका। ये कौन सा चल रहा है, पीरियोडिक, अब देखा आपने पूरे एक साल तक काम किया, साल के एंड में काम कर रहा है ये, देख ये सिक्सटी सिक्स। भाई देखो ये जितने भी सवाल किए ये मैंने किए, आपने कुछ भी नहीं किया,
तो ये सारे सवाल आपको दोबारा भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, तो नहीं तो भूल जाओगे आप बहुत जल्दी। एवरेज वाला सबसे आसान है, एवरेज वाला सबसे आसान। सबसे पहले तो एवरेज रेट निकालना होगा, इसलिए मैंने एक कॉलम बना लिया कि रेट फट से निकल जाए। अब रेट जो इनके बीच में निकल के आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो कि 58.85 आ गया, 58.85 आएगा ना, ये आ गया एवरेज रेट है। 78 आ रहे हैं ये भाई, गलत मत बताओ। 78, चलिए एवरेज, एवरेज में आपको पता है कितने यूनिट बेचे, रेट आपको पता है 58 पॉइंट, टोटल आ गया। फटाफट करो, रेट गलत है, कितना रेट आएगा? अच्छा 85, बस बस ध्यान दीजिए, बताइए। बताइए मल्टीप्लाई करके फटाफट। अब एक सवाल बहुत वैलिड सवाल आया कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये परपेचुअल है क्या है, यहाँ पे भी तो वही शब्द लिखा है। भाई यहाँ पे आपको ना इशू कहीं भी नहीं दिखेगा, साल के लास्ट में बोल देगा इतना इशू किया इकट्ठा, तो आप समझ जाइएगा ये पीरियोडिक है। कितने आ गए? 11,000, यही ना। अब क्लोजिंग देखो, ये सबसे आसान, बताइए कितने? 76,000। सर ये हो गया पीरियोडिक। अभी तक हमने क्या करा एक बार फटाफट देखिए, ज्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक हमने, सिर्फ और सिर्फ ये तो दो सिस्टम था, हमने क्या क्या देखा फटाफट देखिए। मटेरियल का सिस्टम बताया, यहां से आपको पता चला कि भैया रिसीव जब हमें मिलता है फैक्ट्री से, इशू जब हम गोडाउन को भेजते हैं, और बैलेंस का बात पता चला था। इसके बाद सर हमारे जो मेथड थे, इन तीनों मेथड के नाम और कुछ चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद सवाल किया, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। इस सवाल को हमने टाइम ज्यादा लगाया है सिर्फ समझने के पर्पज के लिए, ठीक है। इसमें अब मान के चलो, अब 1 से 2 घंटे की क्लास हुई है, मान लेते हैं 2 घंटे की क्लास में आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। 2.5 घंटे कहाँ हुए हैं, 10 नंबर आपके क्या हो जाते हैं, पक्के। इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो वो फिर बात नहीं बनेगी। पहले हमने लीफो से करा, फिर फीफो से, नहीं पहले फीफो से, फिर लीफो से, फिर वेटेज। वेटेज के अंदर और लीफो फीफो में फर्क क्या है? लीफो और फीफो में ना आपका जब इशू होता है ना तब चेंज हो जाता है, जब इशू होता है तब चेंज होता है। लेकिन वेटेज के अंदर कहाँ फर्क पड़ता है? जब बैलेंस होता है ना, बैलेंस, वहां पे चेंजेस हो जाता है। इसके बाद एक सवाल हमने और देखा जिसमें रिटर्न था और साथ के साथ आपका शॉर्टेज का भी पार्ट था। इसके बाद एक ये वाला भी रहता है, करेंगे अभी, चिंता मत करो। इसके बाद क्या था हमारा पीरियोडिक, पीरियोडिक वाले में क्या था सर, हम फटाफट फटाफट परचेज करते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि इतने का हमने सेल कर दिया, और सेल भी नहीं बताएगा आपको, क्लोजिंग बता देगा या ओपनिंग और क्लोजिंग बता देगा, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि अगर मैं सेल्स यूनिट की बात करूं तो क्या होता है सर, सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग, ये होता है हमारा। यानी ओपनिंग, ओपनिंग, ये सारे यूनिट है, अमाउंट मत समझना, हमारे कॉस्टिंग में ना यूनिट पे चलता है। तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट तो बताएं, फिर अगले टॉपिक पे चलें। अमाउंट गलत है,
इशूड वाला क्या गलत है बता? 50। अच्छा इसको 500 काटते हैं, नहीं कितना आएगा ये बताओ कितना आएगा? 50, 55। ठीक है, अब इसका भाई कौन कर रहा है ऐसी कैलकुलेशन? ये बताओ ये बताओ ये कितना आएगा? ये 5 लाख। चलिए चलिए ठीक हो गया। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आपकी किताब के जो भी क्वेश्चन है मैं अलग से पीडीएफ बना के दे दूंगा, और ये वाला मैंने नोट करने का आपको समय नहीं दिया, तो मैं आप सभी को ये वाला जो है पीडीएफ भेजूंगा, जो कि आप पीडीएफ से क्या कर पाओगे इसको नोट कर, नोट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिस नीडेड, परेशान हो रहे हैं सर बच्चे, प्रैक्टिस करवाओ सर जल्दी जल्दी। अब देखिए कल क्लासेस सिर्फ सेम वन वालों की मैं रखने वाला हूं, क्योंकि उनके एग्जाम हैं। सेम फोर वालों का एग्जाम अभी डिले है, तो कल क्लास सेम फोर वालों का नहीं लूंगा, सिर्फ सेम वन वालों का लूंगा। अब बच्चे ना पूरे चैट में मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से यही परेशान हो रहे हैं। कोई बोल रहा है सर कॉस्ट कब स्टार्ट होगी, कोई बोल रहा है सर हमारा सेमेस्टर वन का भी स्टार्ट करा दो। तो कॉमन टॉपिक था, मैंने दोनों बैच को मर्ज करके ये कॉमन टॉपिक कराया। सेमेस्टर वन वाले बच्चे अपने बुक में देखेंगे ये सारे सवाल, कुछ सवाल सेमेस्टर वन में से भी मैंने उठाए और कुछ सवाल आपके सेमेस्टर फोर में से भी उठाए। आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। सेमेस्टर फोर में इलिस्ट्रेशन नंबर 27 मिल जाएगा, कुछ वहीं से, मैं अलग से नहीं करा रहा, बुक के ही सवाल हैं आपके। तो जो सेम वन वाले बच्चे अपने बुक में चैप्टर नंबर 10 उठाएंगे, ऑनर्स में 10 है, प्रोग्राम में पता नहीं कौन सा है हमारा, तो एक बार देखेंगे इन्वेंट्री। और जो सेम फोर वाले बच्चे हैं अपनी किताब में देखेंगे मटेरियल चैप्टर नंबर 2। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सेम वन वाला चैप्टर नंबर 10 और बाकी सेम फोर वाले चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लीज पीडीएफ सेंड, हमारी क्लास वैसे भी नहीं होती। अच्छा बच्चे कह रहे हैं कॉस्ट वाले बच्चे होंगे ना वो ऑनर्स वाले, वो बोल रहे हैं हमारी क्लास तो वैसे भी नहीं होती कल, तो आप क्यों बता रहे हो कल का? कल कॉर्पोरेट वाली नहीं होगी क्लास, अभी रुकिए। जी कोई डाउट नहीं, अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, टाइम डिस्कस करेंगे, या एक सवाल और कर लें। चलिए ठीक है, अभी ऑफलाइन वाले बच्चे बैठेंगे 2 मिनट, और ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड नाइट, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। बच्चे कह रहे हैं एक सवाल और कर लेते हैं सर एक क्वेश्चन और, चलिए कल कर लेंगे, कल मैं रिकॉर्डेड भी डालूंगा इसमें, चिंता ना करें। तो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है।